अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गुड्डू और चिंकी बाहर गार्डन में बाकी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तभी गुड्डी भी अपने घर से कुछ प्लेट्स लेकर वहाँ आ रही होती है। अरे गुड्डी, ये क्या लाई हो? तुम सबके लिए नाश्ता भेजा है मम्मी ने, आज पापा मम्मी की एनिवर्सरी है ना। वाओ, इसमें तो पेस्ट्री है। हाँ, साथ में सबके लिए चिप्स और समोसे भी है, तुम सब इंजॉय करो। लेकिन गुड्डी, तुमने अपने मम्मी पापा के लिए क्या किया? बबलू चाचा के साथ बाजार जाकर मैंने मम्मी के लिए साड़ी खरीदी और पापा के लिए मैचिंग का कुर्ता, दोनों ने अभी वही पहना है। तुम सब भी थोड़ी देर में घर आ जाना, हम सब डांस करेंगे, अभी मैं जाती हूँ। तभी चिंकी गट्टू की तरफ मुड़कर कहती है, गट्टू तुमको याद है ना, अगले हफ्ते हमारे मम्मी पापा की भी एनिवर्सरी है, हमको भी अभी से तैयारी चालू कर देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट पर गुड्डी की तरह याद आए। हाँ तुम सही कह रही हो चिंकी, लेकिन क्या प्लान करें, कुछ अलग करते हैं इस बार। अलग क्या? रुको अभी खेलते हैं, थोड़ी देर से साथ मिलकर सोचेंगे। ठीक है ठीक है। थोड़ी देर बाद मम्मी घर खाना खाने को बुलाती है, पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं, सभी लोग साथ में डिनर टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। आपको राकेश के यहाँ पार्टी पर जाना था ना? अरे कहाँ टाइम मिलता है, पहले घर फिर ऑफिस फिर बिजली विभाग का ऑफिस, लगता है जिंदगी अब ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन तुमको भी तो सरिता के यहाँ बेबी शावर में जाना था ना, जाकर आई? अरे कैसे जाती, दोपहर में इन दोनों के स्कूल से आने का टाइम होता है, फिर लंच, गट्टू चिंकी का होमवर्क, टाइम ही नहीं मिल पाता, कॉलेज वाली सब सहेलियों से मिले जैसे बरसों बीत गए हो। दोनों उदास होकर खाना खाने लगते हैं, गट्टू चिंकी ये सब देख रहे होते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं, दोनों प्लान बनाते हैं कि इस बार पापा मम्मी के दोस्तों को सरप्राइज पार्टी में बुलाएंगे। लेकिन ऐसा करेंगे कैसे? दादी और दादा को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फोन से सभी नंबर निकाल कर वही सबको बुला सकते हैं। वाओ, मम्मी कितनी खुश होंगी ना अपनी सहेलियों से मिलकर। यस, जैसे मुझे बंटी से मिलकर अच्छा लगता है। एनिवर्सरी का दिन आ जाता है, मम्मी और पापा घर पर ही बैठे होते हैं कि अचानक से उनके सब फ्रेंड्स घर पर आकर बोलते हैं, सरप्राइज। अरे राकेश, साहिल, सुरेश, तुम सब। हे भगवान, कविता, सिमरन, सुधा, तुम सब, ये कैसे हुआ और कब हुआ? तुम्हारी सास का फोन आया था, उन्होंने बताया तुमसे मिले अरसा बीत गया था, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। हाँ दोस्त, इतने दिनों से काम की वजह से मिलना पेंडिंग था। और ये कहते हुए वो पापा को टाइट हग करते हैं। तभी सोसाइटी के अंकल किसी आदमी के साथ खाने पीने का सामान लेकर अंदर आते हैं। अरे ये सब किसने बताया आपको? गट्टू और चिंकी ने, उन्होंने मुझे सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया था, कितने लोग आएंगे ये भी बता दिया था, इसलिए मैं सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। ये सब देखकर मम्मी भावुक हो जाती है और गट्टू और चिंकी को प्यार करते हुए कहती है, इतनी प्लानिंग की हमारे लिए? हाँ बच्चों, तुमको नहीं पता आज तुमने हमारे लिए क्या किया है, ऐसा लग रहा है स्कूल और कॉलेज का टाइम वापस लौट आया। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। आप दोनों खुश तो है ना, उस दिन जब आप दोनों टेबल पर उदास होकर बोल रहे थे तभी हमने पार्टी का प्लान बना लिया था। हाँ, इसका सारा क्रेडिट तो इन बच्चों को जाता है, और चेयरमैन जी ने खाना लाने की जो हमारी हेल्प करी, वरना आज तुम दोनों को हम सरप्राइज नहीं दे पाते। फिर राकेश आकर कहता है, कितने प्यारे बच्चे हैं, गॉड ब्लेस यू बच्चो। अब क्या खड़े रहोगे, नाच गाना करो बच्चों, आप सब भी, आज मैं गट्टू और चिंकी किचन संभालेंगे। हाँ दादी, और खबरदार मम्मी, अगर आप किचन की तरफ आई भी तो। गट्टू और चिंकी किचन में दादी के साथ सबके लिए खाना सर्व कर रहे होते हैं। चिंकी एक एक छोटी कटोरी में गुलाब जामुन रख रही होती है, तो गट्टू प्लेट्स को डाइनिंग टेबल पर सजा कर रख रहा होता है। चिंकी तुम सब कटोरी, चम्मच और प्लेट एक बार फिर से देख लेना, कहीं कम ना पड़ जाए। और हाँ बच्चों, आइसक्रीम एकदम एंड में खोलेंगे, जब सब डाइनिंग टेबल पर आ जाए तो बता देना, मैं 2 मिनट में बिरयानी गर्म कर दूंगी। ओके दादी। उधर हॉल में सब लोग नाच रहे होते हैं,
सुधा, तुम्हें वो फाल्गुनी पाठक के गाने याद है? उस पर नाचते थे हम लोग। और हॉल में गाना बजने लगता है और मम्मी एकदम खुश होकर बाकी सहेलियों के साथ खूब नाचती है। याद है ना, इस गाने पर हम दोनों ही कॉलेज के एनुअल फंक्शन में नाचे थे। अरे तो फिर आज आप दोनों क्यों रुकी हुई है? हो जाए फिर से वो जुगलबंदी। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, आप आंटी के साथ नाचिए ना, मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस बार गाना दूसरा बजाना। पापा फिर से गाना प्ले कर देते हैं और गाना बजने लगता है। मम्मी और सिमरन एकदम ताल और मी लगाकर नाचने लगते हैं। दोनों एकदम खुश होकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। थैंक यू सिमरन फॉर कमिंग, माय प्लेजर। तभी दादी आकर सबको खाना खाने के लिए कहती है। सब लोग अपनी अपनी प्लेट में खाना ले लेते हैं। खाना बहुत यम्मी है आंटी जी। अरे जो थैंक्स बोलना है इन बच्चों को बोलो, सब प्लान इन दोनों का था, मैंने तो बस इनकी मदद की। मम्मी ये सुनकर भावुक हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग चले जाते हैं। गट्टू और चिंकी दादी के साथ मिलकर किचन की सफाई करवा रहे होते हैं। थैंक यू दादी, पापा मम्मी कितने खुश थे आज। वो तो है बच्चों, आज ना जाने कितने साल बाद मैंने बहू को नाचते देखा है। उधर दूर से पापा मम्मी तीनों को बातें करते हुए देखकर खुश हो रहे होते हैं। अरे एक बात तो कहना भूल ही गया। क्या? हैप्पी एनिवर्सरी, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक्स। आपको भी शादी की सालगिरह मुबारक हो। तभी गट्टू चिंकी भी भागकर उनसे लिपट जाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, लव यू। लव यू टू बच्चों। चारों एक दूसरे को हग किए होते हैं और दादी दूर से सबको देखकर खुश हो रही होती है। चिंकी और दही हांडी। आज संडे था और गट्टू और चिंकी पापा के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। पापा, आप हमेशा टीवी में न्यूज कैसे देख लेते हैं? मुझे तो न्यूज देखना बहुत बोरिंग लगता है। अरे गट्टू बेटा, न्यूज देखना बहुत जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ताकि हम अवेयर रह सके। ओह ये देखो, टीवी पे तो दही हांडी की न्यूज आ रही है। हाँ चिंकी, जन्माष्टमी आने वाली है ना, इसलिए अब हर तरफ बस दही हांडी की ही न्यूज होगी। हाँ पापा, कितना मजा आता है ना जन्माष्टमी पे, हर तरफ बस कृष्ण भगवान का ही नाम होता है और उनकी बचपन की शरारतों की बातें भी होती है। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे कृष्णा बनके मटकियाँ भी फोड़ते हैं। वाव, कितनी अच्छी तैयारियाँ चल रही है ना शहर में दही हांडी की, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दही हांडी के लिए। पापा, हर बार की तरह इस बार भी अपनी कॉलोनी में दही हांडी होगा ना? इस बार मुझे मटकी फोड़नी है और कृष्णा बनना है। चिंकी की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दही हांडी फोड़ने के लिए तो बहुत प्रैक्टिस लगती है बेटा, उसमें तुम्हें चोट भी लग सकती है और तुमने ऐसा पहले कभी किया भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकती हूँ। चिंकी मम्मी की ये बात सुन के बहुत उदास हो जाती है। पापा उसे देखते हैं और फिर कुछ सोच के मम्मी से बोलते हैं, अरे अगर चिंकी दही हांडी में मटकी फोड़ना चाहती है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ तक रही प्रैक्टिस की बात तो मुझे पूरा भरोसा है कि चिंकी खूब मन लगा के मेहनत करेगी। अरे पर मुझे नहीं लगता कि कॉलोनी के लोग मानेंगे इसके लिए। अरे तो हम चलकर उन्हें समझाएंगे। लेकिन चिंकी बेटा, हमें कॉलोनी के लोगों को एक रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर तुम क्यों मटकी फोड़ना चाहती हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं और काफी लोग तो तुमसे ज्यादा ट्रेंड भी हैं और उन्हें प्रैक्टिस भी है। तुम अपना रीजन सोच के रखना सेक्रेटरी अंकल को बताने के लिए। पापा की बात सुनकर चिंकी सोच में पड़ जाती है। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगले दिन पापा चिंकी को लेकर सेक्रेटरी अंकल के पास जाते हैं। पापा अंकल को बताते हैं कि चिंकी इस बार दही हांडी में कृष्णा बनकर मटकी फोड़ना चाहती है। अंकल भी पापा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्यों चिंकी बेटा, अचानक से तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया कि तुम्हें मटकी फोड़नी है? अंकल, हर साल कोई ना कोई लड़का ही कृष्णा बनके दही हांडी में मटकी फोड़ता है, इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं कृष्णा बनूं। चिंकी की बात थी तो बहुत छोटी सी लेकिन काफी डीप थी। अंकल उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। ठीक है चिंकी बेटा, मैं कॉलोनी के बाकी लोगों से बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
ताकि मटकी फोड़ते वक्त तुम्हें चोट ना लगे। क्यों, तुम इसके लिए रेडी हो? हाँ अंकल, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिर चिंकी खुशी खुशी पापा के साथ घर लौट के आई और गट्टू और मम्मी को ये गुड न्यूज दी। अगले दिन से चिंकी की मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। नहीं नहीं चिंकी, ध्यान से, तुम्हें एक एक स्टेप ध्यान से बढ़ाना है। अगर तुमने एक भी स्टेप जल्दबाजी में आगे बढ़ाया तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाँ अंकल, मैं समझ गई। वेरी गुड चिंकी, अब याद रखो सबसे मेन चीज ये है कि मटकी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तब तुम्हें अपना बैलेंस बिल्कुल सीधा बनाए रखना है और मटकी को एक हाथ से ही फोड़ना है। तुम्हें अपने एक हाथ की पूरी ताकत लगानी है मटकी पे। चिंकी को एक हाथ से मटकी फोड़ने में दिक्कत आ रही थी, अभी उसके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। इस बात से चिंकी और बाकी के सभी लोग परेशान थे। प्रैक्टिस करके चिंकी घर आ जाती है। मम्मी, ऐसे कैसे काम चलेगा? दही हांडी को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, मैं अभी तक मटकी नहीं फोड़ पा रही हूँ। तुम कोशिश करती रहो चिंकी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम बहुत जल्दी मटकी फोड़ लोगी, बिल्कुल भी उदास मत हो। मम्मी की बात सुन के चिंकी को फिर से अपने ऊपर यकीन होता है और वो अगले दिन से प्रैक्टिस में लग जाती है। इस बार वो और दिल लगा के मेहनत करती है। आखिरकार दही हांडी का दिन आ ही जाता है। चिंकी रेडी होके कॉलोनी में जा रही थी कि मम्मी पापा और गट्टू उसे रोकते हैं। चिंकी बेटा, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? एक्साइटेड हो ना? हाँ मम्मी, एक्साइटेड तो हूँ पर साथ में नर्वस भी बहुत हूँ। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, थोड़ा सा नर्वस होना तो बनता है, आखिर तुम एक नया काम जो करने जा रही हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने ये डिसीजन लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू पापा। चिंकी, मुझे भी तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि चिंकी तो बहुत ब्रेव और स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच गट्टू। अब बिल्कुल चिंता मत करो चिंकी, ऑल द बेस्ट, तुम अच्छा ही करोगी। चलो चिंकी, तुम आज की कृष्ण कन्हैया हो, आओ सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, हमें अब और लेट नहीं करना चाहिए। फिर सेक्रेटरी अंकल चिंकी को बुला के ऑल द बेस्ट कहते हैं। सारी कॉलोनी आज चिंकी के लिए चीयर कर रही थी। ये देख के चिंकी को बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। अपने इतने दिनों की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चिंकी ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो मटकी की तरफ बढ़ती जा रही थी, उसका डर और नर्वसनेस कम होता जा रहा था। उसका सारा फोकस बस मटकी के ऊपर ही था, लेकिन गलती से चिंकी का पैर स्लिप हुआ और थोड़ा सा हड़बड़ा सी गई। अरे अरे, संभल के चिंकी। चिंकी बेटा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आगे बढ़ती रहो। हाँ चिंकी, तुमने बहुत प्रैक्टिस की है, संभल संभल के आगे बढ़ो, बिल्कुल धीरे धीरे। चिंकी सबके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनती है और अपना बैलेंस फिर से बना के आगे बढ़ती है। वेरी गुड चिंकी बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। चिंकी, अपना कंसंट्रेशन ऐसे ही बनाए रखना। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी तेजी से मटकी की तरफ बढ़ती है और अपने स्टेप्स बहुत संभल संभल के आगे रखती है। उसे अंकल की बात याद थी कि एक भी स्टेप पे बैलेंस नहीं बिगड़ने देना है। फिर वो फाइनली मटकी तक पहुंच जाती है। अब सबकी आंखें बस चिंकी पे ही थी। वो पूरी ताकत से मटकी फोड़ देती है और मटकी एक ही बार में टूट भी जाती है। सब लोग चिंकी के लिए चीयर करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वाओ चिंकी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा गट्टू और अंकल, आप सबने मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये मटकी फोड़ने का चांस दिया, इसीलिए मैं आज ये कर पाई। चिंकी बेटा, हम सब और कॉलोनी के बाकी के सभी लोग आज तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मम्मी, अब से हम ये रूल रखेंगे कि हर साल दही हांडी में इक्वल लड़के और लड़कियां पार्टिसिपेट करें, ताकि सबको कृष्णा बनने का चांस भी मिल सके। हाँ चिंकी बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चिंकी का ये आइडिया सुन के सभी खुश होके क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू चिंकी और फिशिंग। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह दोनों हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। पापा उनके पीछे बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और मम्मी किचन में काम कर रही होती है। तभी दरवाजे पर से आवाज आती है, मच्छी ले लो मच्छी, एकदम ताजा ताजा मच्छी। मच्छी कैसी ताजा होती है, वो कोई फल थोड़ी है। अरे बेटा, एकदम पोंड से ताजा पकड़ कर लाए होंगे अंकल।
आप सभी बातें क्या कर रहे हो, जाओ मच्छी खरीद लो। पापा दरवाजा खोलते हैं और गट्टू चिंकी भी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वाओ, इनकी टोकरी में इतनी सारी फिश है। हाँ देखो ना चिंकी, इतने सारे कलर की अलग अलग फिश, ये पकड़ कर लाए कैसे? बेटा वो फिशरमैन है, गांव से फिशिंग करके आई, उनके पास सब तरह की फिश है, देखो। इनको पकड़ते कैसे हैं? ये कैसे सहेज कर रखते हैं? इसके अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। पता है मेरा मन कर रहा है अभी फिश को पका कर खा जाऊं। लेकिन मुझे फिशिंग करनी आती ही नहीं। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे बाबा, इनको पकड़कर सीधे पानी के टैंक में रखा जाता है, साथ ही फ्रेश वाटर वाली को फ्रेश वाटर में, पॉन्ड वाली को पॉन्ड वाटर में, और खारे पानी वाले को खारे पानी में ही रखा जाता है। उसके बाद इनको टोकरी में भरकर अलग अलग जगह बेचने निकला जाता है। खारे पानी से क्या मतलब है पापा? अरे समुद्री पानी बेटा, उसमें नमक होता है ना, इसलिए उसको खारा पानी कहते हैं। अच्छा पापा, फिशिंग कैसे करते हैं? मुझे भी देखना है। ठीक है, आप सभी इस रविवार को तैयार रहना, हम फिशिंग करने के लिए जाएंगे। आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन हाँ, हम पास के गांव में एक बड़ा तालाब है, वहाँ पर फिशिंग करेंगे। मैं उसके लिए नेट ले आऊंगा और कांटा भी। क्या हमें पका कर खाएंगे फिश को? हाँ, एकदम फ्रेश नेचुरल तरीके से। रविवार के दिन सभी लोग तैयार होकर सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। गट्टू और चिंकी आपस में लड़ने लगते हैं। मैं पापा के साथ आगे की सीट पर बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। अरे लड़ो मत आपस में, आधे रास्ते गट्टू और आधे रास्ते चिंकी आगे की सीट पर बैठेंगी। अभी ठीक है? अभी चिंकी आप आगे की सीट पर बैठ जाओ। ये, आई एम सो हैप्पी। गट्टू पीछे बैठ जाता है। बहुत ही सुंदर रास्ते से होते हुए सभी लोग एक तालाब के किनारे पहुँच जाते हैं। अरे कितनी सुंदर जगह है पापा, इतना बड़ा तालाब, यहाँ ना जाने कितनी मछलियाँ होंगी। हाँ हाँ बहुत सारी, ये जगह फिशिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। पहले मैं आप सबके लिए टेंट भी सेट कर देता हूँ, आओ आपको टेंट लगाना सिखा दूँ। पापा गाड़ी की डिक्की से टेंट, फिशिंग की जाली और डंडा निकालते हैं। मम्मी खाने पीने के सामान की टोकरी नीचे उतार देती है। गट्टू ये देखो, ये ऐसे लगाते हैं टेंट, इसको समझ लो। आप लोग फिशिंग करो, तब तक मैं बारबेक्यू लगा देती हूँ, उसमें मछली सेकेंगे पकड़ने के बाद। वाह मम्मी। थोड़ी देर में टेंट को सेट करने के बाद पापा मछली पकड़ने वाला नेट खोल देते हैं और सब लोग तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। गट्टू ये लो तुम पकड़ो ये नेट, और थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना, हिलना मत। हिलना क्यों नहीं पापा? अरे उससे मछलियों को पता चल जाता है कि ये उनको पकड़ने के लिए धागा है, वरना वो कांटे को पकड़ लेती है। चिंकी तुम भी जब गट्टू का हाथ दुख जाए तो ये नेट पकड़ लेना। ओ अच्छा। और हाँ, जैसे ही थोड़ा भारी लगे ये नेट, इसकी डोरी को समेटना शुरू कर देना। ओके पापा। चिंकी पास में बैठी होती है। आधे घंटे से ज्यादा बीत जाता है, गट्टू थक हार कर उबासिया लेने लगता है। गट्टू अगर तुम थक गए हो तो मैं पकड़ लेती हूँ नेट को, तुम तब तक रेस्ट कर लो। ठीक है चिंकी, लेकिन 10 मिनट बाद मैं वापस ले लूँगा। क्या पापा इतनी देर लगती है इसमें तो? हाँ बेटा, फिशिंग में तो टाइम लग जाता है, जब तक फिश कांटे में ना फंसे तब तक तो धीरज रखना ही होगा। चिंकी डंडे को पकड़ कर बैठ जाती है, तभी उसको थोड़ी सी हलचल लगती है, लगता है जैसे डंडा भारी हो गया हो। पापा मुझे अंदर खींच रही है, तो इतनी बड़ी फिश है। पापा तुरंत दौड़ कर आते हैं और डोरी खींचने लगते हैं, जिससे डोरी ऊपर आने लगती है। धीरे धीरे उसमें फंसी मछली भी दिखाई देने लगती है और गट्टू चिंकी खुशी के मारे उछलने लगते हैं। पकड़ ली, हमने फिश पकड़ ली। मैंने पकड़ी गट्टू, तुमने नहीं। तो क्या हुआ, इतनी देर तो मैं पकड़ कर बैठा था। अरे अरे तुम दोनों लड़ो मत, और मछली पकड़ लेना, ये आखिरी थोड़ी है। तभी चिंकी की नजर मछली पर जाती है, वो तड़प रही होती है। अरे मम्मी ये कितनी तड़प रही है। हाँ बेटा, क्योंकि ये पानी से बाहर आ गई है, याद है ना पोयम? हाँ मम्मी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चलो गट्टू तुम मेरे साथ आओ, हम इसको फ्राई कर लेते हैं, तब तक चिंकी और पापा और फिश पकड़ लेंगे। मम्मी फिश के पंख साफ करके उसको तवा पर सेकने लगती है, उधर चिंकी खुशी के मारे तालियां बजाती है। वाह मम्मी,
इतनी फ्रेश फिश, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, आज सच में मजा आ जाएगा। अरे बाबा, बड़ी मछली आ गई तो क्या ये डोरी टूट नहीं जाएगी? नहीं चिंकी, हम दोनों मिलकर उसको फटाफट ऊपर खींच लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जैसे ही फिश आए तो मुझे बता देना। गट्टू डोरी को पानी में डालकर चुपचाप बैठा होता है। तभी पापा को लगता है कि ऐसे तो दोनों थक जाएंगे। अरे गट्टू, मुझे तो मैं करता हूँ, तुम थक जाओगे। नहीं पापा, आज हम दोनों को फिशिंग करने दो। तभी अचानक थोड़ी सी हलचल होती है। लगता है फिश आ गई, भारी हो गया नेट। चिंकी हेल्प, हेल्प करो मेरी। चिंकी भागकर गट्टू का हाथ बटाती है। पापा मन ही मन दोनों का टीम वर्क देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों एकदम तेजी से डोरी खींचने लगते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। वाह, मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, अब तो सचमुच मजा आएगा। गट्टू, मम्मी देखो, इतनी बड़ी फिश। मम्मी भी भागकर देखने आ जाती है। अरे ये फिश तो सच में बहुत बड़ी है, इतनी हम दोनों के लिए पर्याप्त है। आप दोनों आकर तब तक प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लो। थोड़ी देर में सब मिलकर फिश को पका लेते हैं और खाने लगते हैं। तब पापा कहते हैं, वाव, आज तक इतना मजा तो कभी नहीं आया फिश पकड़ने में। इतनी ताजी, इतनी स्वादिष्ट। थैंक यू बच्चों, आप दोनों की वजह से आज हम भी बहुत लंबे बाद यहाँ आए। थैंक यू पापा, इतना मजा आया हमको फिशिंग करने में। और दोनों बच्चे दौड़कर पापा को हग कर लेते हैं। गट्टू और चिंकी लिविंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे लगता है कोई आया है, मैं अभी जाकर गेट खोलता हूँ। नहीं गट्टू, मैं जाऊंगी गेट खोलने। अरे चिंकी, मैं जाऊंगा गेट खोलने, मैं बड़ा हूँ ना। दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता देखकर मम्मी किचन से बाहर आती है और खुद ही जाकर गेट खोल देती है। अरे लो चिंकी, तुम्हारे चक्कर में मम्मी ने मेरी जगह गेट खोल दिया। नमस्ते सेक्रेटरी अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम लोग? अंकल हम तो एकदम अच्छे हैं। ताजी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल पिछली सोसाइटी की मीटिंग में आप नहीं आ पाई थी ना, इसलिए मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। जी बताइए। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी इंडिपेंडेंस डे पर हम सबके ऑफिस छुट्टी होगी और बच्चे भी स्कूल से जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो इस मौके पर हमने अपनी कॉलोनी में 10 बजे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह अंकल, हमेशा स्कूल का हाफ डे हो जाता है तो उस वजह से हम तो बाकी दिन बोर ही हो जाते हैं, पर इस बार तो आपने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सभी सोसाइटी के लोग मिलकर एक साथ हमारी आजादी का उत्सव मनाएंगे। सेलिब्रेशंस के बारे में बताकर सेक्रेटरी अंकल चले जाते हैं। अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करने के बाद गट्टू चिंकी सोसाइटी के प्लेग्राउंड में बाकी बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। क्या तुम सबने सोसाइटी में होने वाले इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के बारे में सुना? हाँ हाँ, मैंने भी सुना। कितना मजा आएगा ना उस दिन। हम लोगों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो कितना बोर हो जाते हैं, पर अब तो बहुत मजा आएगा, हम सब साथ में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। हाँ वो तो है, पर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हमारा मजा दोगुना हो सकता है। अच्छा चिंकी, और वो आइडिया क्या है? हाँ चिंकी बताओ ना, क्या है वो आइडिया? चिंकी सभी बच्चों के कान में अपना आइडिया बताती है जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। ठीक है तो डन, अब तो इंडिपेंडेंस डे के दिन और भी मजा आएगा। भारत माता की जय। इंडिपेंडेंस डे के दिन सोसाइटी के सब लोग तैयार होकर 10 बजे सोसाइटी के ग्राउंड में फ्लैग होस्टिंग के लिए पहुंच जाते हैं। पर एक अजीब चीज थी, वो ये कि अभी तक बच्चे नहीं आए थे। अरे ये सब बच्चे कहाँ हैं? अभी तक तो इन्हें स्कूल से आ जाना चाहिए था। तभी सारे बच्चे प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। उन सबके हाथ में तिरंगा था और बहुत सारे ट्री कलर बैजेस भी, और वो सोसाइटी के सभी लोगों को फ्लैग के कलर्स वाले बैज लगाने के लिए देते हैं। पर बच्चों, तुम्हारे पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? पापा, हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके ये सब फ्लैग्स और बैजेस लिए हैं। तो क्या इसीलिए तुम्हें घर वापस आने में लेट हो गया? हाँ मम्मी, हम ये बैजेस ले रहे थे। इतना ही नहीं, हमारे पास तो दो और सरप्राइजेस हैं, वो हम आपको फ्लैग होस्टिंग के बाद दिखाएंगे। ये सुनकर सभी बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर में सोसाइटी के सेक्रेटरी फ्लैग होस्टिंग करते हैं
सभी लोग एक साथ बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब ताली बजाते हैं, फिर सारे बच्चे आगे आते हैं और फ्लैग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर हम स्कूल जाते हैं और कनल मैम की खास स्पीच के बिना इंडिपेंडेंस डे अधूरा होता है, और आज ये सेलिब्रेशन हमारी कॉलोनी में भी होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर कर्नल मैम को खास तौर पर इनवाइट किया है। तभी वहाँ पर अपनी कार से कर्नल मैम आती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इन बच्चों में हमारे स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतना जोश है। ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। हमारे भारत को आजादी मिले इतना वक्त हो गया और कई बहादुर लोगों ने उस समय भारत को आजादी दिलाने में मदद की थी। हमें उन्हें और उनके दिए गए बलिदानों के किस्सों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर मैम अपनी स्पीच खत्म करती हैं और इसके बाद सब बच्चे अपना दूसरा सरप्राइज देते हैं। हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए एक स्पेशल गाना भी तैयार किया है। ये सुनकर कर्नल मैम के साथ साथ बाकी सभी लोग भी तालियां बजाते हैं। फिर बच्चे अपना गाना शुरू करते हैं। हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी जान है, हम हैं इस भारत के निवासी, ये ही अपनी शान है। भारत समंदर हरियाली और पूरा रेगिस्तान भी, विविधता का हम परचम लहराए यही पहचान भी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ खुशी का मेला है, थोड़ी खुशियाँ थोड़ी झिक झिक, सच में भारत अलबेला है, हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। देश हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी जान है, हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। गेटिंग फोटो क्लिक इन स्टूडियो। आज गट्टू चिंकी कुछ नया करने वाले हैं। गट्टू और चिंकी दोनों भी आईने के सामने चिपक कर खड़े थे। गट्टू ने चिंकी को धक्का मारा। ओहो गट्टू, मुझे लग गया। रुक जाओ थोड़ा, मुझे भी तो तैयार होना है। क्या चिंकी, तुम कब से आईने के सामने खड़ी हो, मुझे थोड़ा भी देखने नहीं दे रही। मेरे बाल तो ठीक है ना? गट्टू और चिंकी की नोक झोंक वाली आवाज सुनकर मम्मी कमरे में आई। गट्टू चिंकी, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मम्मी, मैं फ्रॉक पहनूं या पंजाबी ड्रेस? ओढ़नी वाला ड्रेस फोटो में ज्यादा अच्छा दिखेगा ना? मम्मी, मैं नीली जीन्स पहनूं या काली जीन्स, बताओ ना मम्मी। तभी पापा तैयार होकर कमरे में आए। गट्टू चिंकी, मम्मी तैयार हुई या नहीं? चलो हमें फोटो स्टूडियो चलना है, हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो और एक साथ अच्छे फोटो खिंचवाएंगे। यस पापा, हम तैयार है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी मम्मी पापा के साथ फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए और उछलते कूदते ही वो फोटो स्टूडियो पहुंचे। हेलो सर, बताइए आपको किस तरह के फोटो खिंचवाने हैं? गट्टू और चिंकी फोटो स्टूडियो में लगे अलग अलग तरह के फोटो देखकर हैरान हो गए। कई तरह के छोटे बड़े फ्रेम लगे थे जिसमें अलग अलग तरह के पोज लेकर मॉडल खड़े थे। गट्टू देखो ना, कितने सुंदर पोस्टर लगे हैं, मुझे भी ऐसी फोटो खिंचवानी है। मैं भी स्टाइलिश फोटो क्लिक करवाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी दिखाऊंगा। गट्टू चिंकी शांत रहो बेटा। जी हमें सभी के पासपोर्ट साइज फोटो और फिर एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। ओके ओके, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको अंदर बुलाता हूँ। गट्टू चिंकी मम्मी पापा वेटिंग रूम में वेट करने बैठ गए। गट्टू खड़ा हो गया और एकदम स्टाइलिश अंदाज में चिंकी से कहने लगा। चिंकी बताओ, ये पोज कैसा लग रहा है, मैं ऐसा ही फोटो लूंगा। चिंकी ने भी अपने आप को फिर से एक बार स्टूडियो में लगे आईने में देखा। गट्टू ऐसा फोटो नहीं खींचा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो में केवल तुम्हारा चेहरा दिखेगा और इस तरह की पोज किसी काम का नहीं। चलो बैठ जाओ यहाँ आकर। गट्टू ने अपना मुंह बना लिया
और वो पापा के बगल में जाकर बैठ गया। गट्टू और चिंकी अपना फोटो खिंचवाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि दोनों बैठे बैठे भी अलग अलग तरह के पोजेस बनाने लगे। चिंकी उठ खड़ी हुई और उसने स्टूडियो रूम के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। ओहो, कितना समय लग रहा है, पसीने से मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा और मेरा फोटो अच्छा नहीं आएगा। चिंकी बेटा सब्र करो, वो हमें बुलाएंगे, यहाँ आकर बैठ जाओ। फोटोग्राफर बाहर आया और उसने पापा को स्टूडियो रूम के अंदर बुलाया। अच्छा, तो सबसे पहले हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो खींच लेंगे, उसके बाद एक फैमिली फोटो होगा, तो सबसे पहले कौन खिंचवाएगा? गट्टू चिंकी हड़बड़ करने लगे। मैं चाहूंगी सबसे पहले। चिंकी मुझे जाना है सबसे पहले। मम्मी कहो ना गट्टू से मुझे जाने दो। चिंकी पहले गट्टू जाएगा, उसके बाद तुम चली जाना। यस। आखिरकार गट्टू को मौका मिल ही गया। गट्टू हरे पर्दे के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर उसने पर्दे को देखते हुए कहा, अरे नहीं, क्या हम ये पर्दा बदल सकते हैं? मुझे लाल रंग का पर्दा चाहिए। नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए हरा पर्दा ही ठीक होता है। गट्टू उन्हें उनका काम करने दो। ठीक है, तो सीधे खड़े हो जाओ। गट्टू ने फोटोग्राफर की बात तो सुनी, लेकिन वो पूरे स्टाइल के साथ अपना हाथ अपने पॉकेट में डालकर स्टाइल में खड़ा हो गया, जो देखकर पापा ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। गट्टू बेटा सीधे खड़े रहो, पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, एकदम सीधे खड़े रहो, बस सामने देखो और अपने पलके नहीं झपकाना। फोटोग्राफर ने गट्टू का एक फोटो खींचा, लेकिन गट्टू ने अपनी पलके झपकाई और फोटो ठीक से नहीं आया। मुझे फिर से खींचना होगा, बस अपने पलके नहीं झपकाना। इस बार भी गट्टू ने अपनी पलके झपकाई। फोटोग्राफर के कई कोशिशों के बाद आखिरकार गट्टू का पासपोर्ट साइज फोटो निकला। फोटोग्राफर ने लंबी सांस छोड़ी। गट्टू के बाद चिंकी कैमरे के सामने खड़ी हो गई। चिंकी एकदम सीधे सीधे खड़ी हो गई, जो देखकर फोटोग्राफर ने चिंकी से कहा, थोड़ी सी स्माइल करो बेटा। और क्या, चिंकी ने हल्की सी स्माइल दी और चिंकी का सबसे प्यारा फोटो खींच लिया गया। चिंकी के बाद मम्मी पापा का पासपोर्ट साइज फोटो निकाला गया। आप सभी के पासपोर्ट साइज फोटो देख लीजिए, उसके बाद प्रिंट लूंगा। पापा के साथ साथ फोटोग्राफर ने गट्टू चिंकी और मम्मी को भी अपने अपने फोटोग्राफ दिखाए। मुझे मेरा फोटो ठीक नहीं लगा, और एक बार फोटो लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया है, अब हम एक फैमिली फोटो लेंगे। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी मम्मी और पापा कैमरे के सामने खड़े हो गए। फोटोग्राफर अंकल अब तो पर्दा बदल लो ना प्लीज। गट्टू के कहने पर फोटोग्राफर ने हरे पर्दे से लाल पर्दा नीचे किया और सबको पोजीशन में खड़े रहने के लिए कह दिया। बीच में मम्मी पापा और दाएं बाएं गट्टू और चिंकी खड़े हो गए। से चीज। फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक किया और एक स्माइल के साथ परफेक्ट फैमिली फोटो खिंचा गया। मम्मी पापा प्लीज मुझे अपनी फोटो खिंचवानी है पूरे स्टाइल में, प्लीज एक फोटो खिंचवाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है गट्टू, अच्छी पोज में फोटो निकालो और चिंकी तुम भी फोटो खिंचवाओ। ये गट्टू और चिंकी ने वेटिंग रूम में लगे पोस्टर ध्यान से देखे और गट्टू ने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिया और कैमरा के सामने खड़ा हो गया। गट्टू ने अपने हाथ पॉकेट में डाले, एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए एक प्यारी सी स्माइल कैमरे को दी। फोटोग्राफर ने गट्टू की फोटो खींची। वाह गट्टू क्या सही पोज दिया है, मैं भी इसी तरह से खिंचवाती हूँ। अरे नहीं चिंकी तुम अलग पोज दो। चिंकी नाक फुफकारते हुए कैमरे के सामने खड़ी हो गई। फूला हुआ मुंह लेकर फोटोग्राफर तो फोटो निकालने ही नहीं वाला था। चिंकी बेटा तुम्हें फोटो नहीं निकालना है क्या, स्माइल करो पोज दो। लेकिन फिर भी चिंकी बिल्कुल नहीं हंसी और पोज भी नहीं दिया। और अब गट्टू कैमरे के पीछे से चिंकी को देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा, अपने हाथों से चिंकी को चिढ़ाने लगा। इस तरह से जोकर की तरह हरकत देखकर चिंकी की हंसी छूटी और फोटोग्राफर ने उसी तरह से चिंकी का फोटो खींच लिया और चिंकी की बड़ी ही प्यारी फोटो फोटोग्राफर को मिली। वेरी नाइस फोटो। देखा अंकल आपको चीज कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। गट्टू चिंकी लर्निंग कंप्यूटर। स्कूल में बच्चों का मन लगा रहता है और इसका असली कारण है कि स्कूल बच्चों को उनकी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करता है।
बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताना पसंद करते हैं। कई बार बच्चों की जरूरत स्कूल समझता है और उसी तरह से कई तरह के प्रोग्राम भी अरेंज करता है। स्कूल में टीचर इसी तरह के प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बता रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम हमारे स्कूल में प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं जिसमें तुम सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, किस तरह का प्रोग्राम? तो बच्चों, हमारे स्कूल में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नहीं थे और काफी दिनों से टीचर्स का पूरा स्टाफ इस बारे में काम कर रहा था। अब हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर आएंगे। कल ही कंप्यूटर की सारी अरेंजमेंट हो जाएगी और सभी क्लास के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अरे वाह, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आएगा? वाह, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। कंप्यूटर में तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। मुझे भी सीखना है कंप्यूटर। वाह, कंप्यूटर तो हर स्कूल में होता है, अब हमारे स्कूल में भी आएगा। इस तरह से कंप्यूटर को लेकर सभी बच्चों में बातचीत शुरू हो गई और क्लास में बच्चों की आवाज भी बढ़ने लगी। बच्चों शांत हो जाओ, ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट होगा जिसकी नोटिस भी आज नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। टीचर क्लास से चले गए। गट्टू, चिंकी, हरी, बंटी, पिंकी और भूषण सभी कंप्यूटर को लेकर उछल कूद करने लगे। ये कंप्यूटर सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, ये हाँ कंप्यूटर सीखेंगे, हम कंप्यूटर सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे सर के इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगे। सभी स्टूडेंट्स, हमारे नए बने कंप्यूटर लैब की तरफ बढ़ेंगे, सभी एक रो बनाओ। उसी तरह बच्चों ने एक लाइन बनाई और कंप्यूटर लैब की तरफ चलने लगे। एक बड़ा सा हॉल जिसमें एयर कंडीशनिंग की हवा चल रही थी और कई सारे कंप्यूटर टेबल पर रखे गए थे। एकदम नया हॉल देखकर बच्चों के चेहरे भी चमक उठे। वाव, कितना अच्छा बना है कंप्यूटर लैब। बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आप सभी के कंप्यूटर शुरू है, आप कंप्यूटर के बारे में जो भी जानते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करना, बाद में सभी को ट्रेनिंग देंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या है? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, लेकिन कुछ बिगड़ गया तो? मुझे तो लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर बिना सीखे चलाना कैसे पॉसिबल होगा? चलो, पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो जब तक टीचर सिखाते नहीं तब तक बस देखते ही रहते हैं। कोई बात नहीं करेगा, जितना तुम कंप्यूटर को समझते हो उतना अप्लाई करने की कोशिश करो। गट्टू और चिंकी बड़े ही ध्यान से कंप्यूटर को देखने लगे। चिंकी ने पूरा कीबोर्ड ध्यान से देखा और कंप्यूटर को अब्सॉर्ब करने लगी। गट्टू ने भी कंप्यूटर को ध्यान से देखा और अपने आप गट्टू ने माउस हाथ में लिया। देखो चिंकी, इससे हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी होती है, इसे शायद माउस कहते हैं। चिंकी ने भी अपने हाथों में माउस लिया और यूज करने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस की वजह से एक एरो आया। ये देखो चिंकी, एरो आया। हाँ, इसी से हम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। चिंकी माउस को ऊपर नीचे कर एरो से खेलने लगी। अरे वाह, कंप्यूटर तो आसान होता है, मुझे जम गया। दूसरी ओर बंटी ने कंप्यूटर का बटन ही बंद कर दिया और कंप्यूटर बंद हो गया। अरे बाप रे, मुझसे तो कंप्यूटर बिगड़ गया। टीचर तेजी से बंटी की ओर बढ़े और देख कर हंसने लगे। बंटी, तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया, खराब नहीं हुआ है, लेकिन याद रहे कंप्यूटर इस तरह से बंद नहीं करना, पहले शटडाउन किया जाता है। और फिर टीचर ने बंटी को कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करके दिया और बंटी को शटडाउन करना भी सिखाया। कंप्यूटर बंद हो गया और बंटी ने फिर से एक बार कंप्यूटर शुरू कर दिया। अच्छा सर, कंप्यूटर बंद करना तो सीख गए, लेकिन हमें चलाना भी सीखना है। सर, गट्टू ने मुझे इस माउस के बारे में बताया जिस वजह से कंप्यूटर चलाने में आसानी हो रही है। वेरी गुड गट्टू, अब मैं तुम्हें कंप्यूटर की कुछ बेसिक फंक्शन सिखाता हूँ। टीचर ने चिंकी के कंप्यूटर पर ड्राइंग के लिए पेंट ओपन करके दिया। सभी बच्चे अपने कंप्यूटर में पेंट ओपन करेंगे। पहली बार जब कंप्यूटर सिखाया जाता है तो सबसे पहले माउस चलाने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। यस सर, माउस चलाया जाएगा तभी तो कंप्यूटर में कुछ कर पाएंगे। राइट, अब सभी अलग अलग शेप्स लेकर अच्छा सा चित्र बनाएंगे। टीचर ने कहा
उस तरह से बच्चों ने माउस की मदद से ड्राइंग बनानी शुरू की। चिंकी ने अच्छा सा घर ड्राइंग बनाया, राउंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप, लाइंस, इस तरह की शेप्स एडजस्ट करने में चिंकी का माउस पर हाथ साफ हो गया। बहुत जल्द चिंकी माउस को हैंडल करना सीख गई। देखो गट्टू, बन गया मेरा ड्राइंग। तुमने क्या बनाया? देखो चिंकी, माउस में अब अच्छी तरह से चला सकता हूँ। मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाया है जो समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। चिंकी के साथ साथ टीचर और बाकी बच्चे भी हंसने लगे। गट्टू, अच्छे से बनाओगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। इस तरह से गट्टू चिंकी ने करीब से कंप्यूटर को हैंडल करना सीखा। गट्टू ने और समय देकर माउस चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की। जैसा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम 8 दिन चलेगा, तो कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है? सर, हमें और प्रैक्टिस करनी है। ऐसी बात है तो तुम कल जल्दी आकर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह से आज का कंप्यूटर के साथ समय भी खत्म हो गया। गट्टू चिंकी घर पहुँचे। आते ही गट्टू चिंकी मम्मी को आवाज देते हुए शोर करने लगे। मम्मी, मम्मी, मम्मी। पापा घर पर ही थे। पापा बोले, गट्टू चिंकी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? पापा दिखते ही गट्टू ने पापा से उनका लैपटॉप मांगा। पापा, मुझे आपका लैपटॉप दीजिए ना। लैपटॉप? लैपटॉप क्यों चाहिए तुम्हें? आज हमने कंप्यूटर सीखा। क्या बात है गट्टू, स्कूल में कंप्यूटर चलाना सीख गए? अभी नहीं पापा, लेकिन मुझे माउस चलाने की प्रैक्टिस करनी है, प्लीज दीजिए ना आपका लैपटॉप। मम्मी पापा और गट्टू की बात सुनकर उनके पास आते हुए बोली, गट्टू बेटा, कंप्यूटर लर्निंग प्रैक्टिस से ही अच्छी तरह सीख पाओगे, लेकिन कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना ठीक होगा। लैपटॉप में पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी तो होते हैं ना? ओ मम्मी, पापा अपना पूरा काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही करते हैं ना? हाँ चिंकी, इसीलिए तुम दोनों भी स्कूल कंप्यूटर पर ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ गट्टू चिंकी, अगर तुम अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाना सीख जाते हो तो हम घर पर ही एक कंप्यूटर लेंगे, क्यों, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच मम्मी पापा? यो हो, तो फिर हम जल्द से जल्द अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे ताकि घर पर भी कंप्यूटर आए। इस तरह से गट्टू और चिंकी ने स्कूल के कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 9 दिन कंप्यूटर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की और मन लगा कर कंप्यूटर भी सीख गए। फादर्स डे। गट्टू और चिंकी आज बहुत टेंशन में थे क्योंकि उनके बनाए हुए सभी प्लान्स पर पानी फिर गया था। इस बार फादर्स डे वाले दिन ही पापा को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था और इसी बात से दोनों काफी परेशान थे। अब हम क्या करेंगे चिंकी, हमने तो कितने सारे प्लान्स बनाए थे कि पापा को कैसे सरप्राइज करना है। हाँ गट्टू, पर अब तो पापा को ऑफिस जाना है, वो सुबह जल्दी जाएंगे और रात को भी लेट आएंगे। तभी मम्मी उनके रूम में उन्हें स्नैक्स देने आती है। मम्मी उन दोनों को दुखी देखकर पूछती है, अरे गट्टू चिंकी, आज तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम लोग बाहर जाकर खेल भी नहीं रहे हो और रोज की तरह मुझे परेशान भी नहीं कर रहे हो। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी मम्मी को पूरी बात बता देते हैं। ओहो बच्चों, तो ऐसी बात है, पर इसमें भला चिंता करने वाली क्या बात है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पापा को सरप्राइज दे सकते हैं। सच में मम्मी? हाँ मम्मी, हमें भी बताओ ना वो आइडिया क्या है। क्यों ना तुम लोग पापा के लिए एक बड़ा सा हैंडमेड फादर्स डे का कार्ड बनाओ और मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठ के उनके ऑफिस के बैग में वो कार्ड रख दूंगी। फिर जब वो ऑफिस में अपना बैग खोलेंगे तो उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज मिलेगा। अरे वाह मम्मी, ये तो सचमुच बहुत अच्छा आइडिया है। चिंकी, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें एक सुंदर सा कार्ड बनाना है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी जल्दी से सारा क्राफ्ट का सामान ढूंढकर एक जगह रखने लगते हैं। फिर मम्मी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। फिर गट्टू और चिंकी कार्ड बनाना शुरू कर देते हैं। देखो गट्टू, सबसे पहले हम इस बड़े से चार्ट को एक साइड पर फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। हाँ, और हमें यहाँ पर हैप्पी फादर्स डे लिखना चाहिए। अरे नहीं गट्टू, यहाँ पर तो मैं कार्टून का स्टिकर लगाऊंगी। नहीं चिंकी, भला यहाँ पर वो स्टिकर अच्छा लगेगा क्या? हम लोगों को तो यहाँ पर पापा की ड्राइंग बनानी चाहिए और हैप्पी फादर्स डे लिखना चाहिए। इस बात पर गट्टू चिंकी लड़ने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर मम्मी वहाँ आ जाती है। अरे बच्चों, अब क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो?
मम्मी मैं चिंकी के साथ कार्ड नहीं बनाऊंगा, मैं अपना एक अलग कार्ड बनाऊंगा। मम्मी मुझे भी गट्टू के साथ कार्ड नहीं बनाना है, मैं भी अपना कार्ड अलग बनाऊंगी। अरे बच्चों तुम लोगों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, तुम दोनों तो कितने समझदार हो ना। अगर तुम दोनों मिलकर एक कार्ड बनाओगे तो सोचो वो कितना ज्यादा सुंदर बनेगा, और पापा को भी ये देखकर कितना अच्छा लगेगा कि तुम दोनों ने मिलकर उनके लिए इतना सुंदर कार्ड बनाया है। मम्मी मैं आपकी बात समझ गया, अब हम दोनों साथ मिलकर ही एक सुंदर सा कार्ड बनाएंगे। हाँ मम्मी। ये सुनकर मम्मी खुश हो जाती है और अपना काम करने चली जाती है। गट्टू तुम्हें याद है हमने अपनी लास्ट क्राफ्ट क्लास में कितने सुंदर ओरिगेमी फ्लावर्स बनाने सीखे थे? हाँ चिंकी चलो वही फ्लावर्स बनाते हैं। इतना कहकर दोनों फ्लावर्स बनाने में लग जाते हैं। 2 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली गट्टू चिंकी का कार्ड रेडी हो जाता है। वो दोनों दौड़ कर जाते हैं और मम्मी को किचन से बुला कर लाते हैं। मम्मी चलिए ना हमारे साथ, हमारा कार्ड पूरा हो गया। मम्मी उन दोनों को देखती है और हंसने लगती है क्योंकि गट्टू चिंकी के चेहरे पर ग्लिटर वाटर कलर और यहाँ तक की टेप भी लगा हुआ था। अरे बच्चों ये कार्ड बनाते बनाते तुम लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है। अरे मम्मी आप हमें छोड़िए, चलकर हमारा कार्ड देखिए ना। मम्मी उन दोनों के साथ उनके रूम में जाती है और उनके कार्ड को खोलती है। उसके अंदर पापा मम्मी गट्टू और चिंकी की एक ड्रॉइंग थी और उसके अगल बगल सुंदर हैंडराइटिंग में हैप्पी फादर्स डे लिखा हुआ था। कार्ड के बाहर सुंदर ओरिगेमी फ्लावर्स भी लगे हुए थे। अरे वाह बच्चों ये कार्ड तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। देखना तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है, अब भूख भी तो लगी होगी ना, आओ जल्दी से आकर खाना खा लो। और हाँ पहले रूम की सफाई करना। फिर गट्टू और चिंकी साफ सफाई करके खाना खाते हैं और पापा का इंतजार करते करते सो जाते हैं। सुबह होते ही अरे चिंकी उठो देखो पापा तो कब के चले गए। दोनों जल्दी से उठकर मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी क्या पापा चले गए? हाँ पापा तो सुबह 5 बजे ही चले गए थे। मम्मी हम दोनों तो पापा को आज अच्छे से विश भी नहीं कर पाए। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है भला, पापा जैसे ही पहुँचेंगे उन्हें तुम्हारा कार्ड दिखेगा, सोचो फिर पापा कितने खुश हो जाएंगे। हाँ चिंकी मम्मी सही कह रही है, हमें उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है गट्टू। दूसरी तरफ पापा अपना बैग खोलकर देखते हैं। अरे ये क्या, वाह कितना सुंदर कार्ड है ये। फिर पापा तुरंत मम्मी को फोन लगाते हैं। एक्साइटमेंट के कारण गट्टू चिंकी फोन के पास ही बैठे थे। हेलो। हाँ पापा। गट्टू चिंकी तुम्हारा कार्ड सचमुच बहुत प्यारा है, मुझे बहुत खुशी हुई इसे देखकर, थैंक यू सो मच बच्चो। वेलकम पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारा कार्ड इतना पसंद आया। अरे और उस ड्राइंग के बारे में तो बताइए जो गट्टू और चिंकी ने कार्ड में बनाई है। अरे हाँ हाँ ये हमारी फैमिली पिक्चर तो सच में बहुत अच्छी है। चलो बच्चों अब पापा को बाय बोल दो, उन्हें काम भी तो करना है ना, बाकी की बातें शाम को उनके घर आने पर करेंगे। ठीक है मम्मी, बाय बाय पापा। बाय बाय पापा, जल्दी घर आइएगा। शाम को पापा मम्मी को कॉल करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आने में काफी देर हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं आप आराम से आइए। शाम को पापा लगभग आधी रात को वापस आते हैं और धीरे से घर का दरवाजा खटखटाते हैं। हैप्पी फादर्स डे पापा, हमने सारा घर डेकोरेट किया है और आपके लिए केक भी बनाया है पापा, हैप्पी फादर्स डे। पापा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों तुम दोनों ने कितनी ज्यादा मेहनत की मेरे लिए, थैंक यू बच्चों। पापा को इतना खुश देखकर गट्टू चिंकी और मम्मी तीनों भी खुश हो जाते हैं। फिर सब मिलकर केक काटने जाते हैं और फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। गट्टू गया नेशनल पार्क। गट्टू और चिंकी स्कूल में थे और उनकी जियोग्राफी की क्लास चल रही थी। दोनों बहुत ध्यान लगाकर टीचर की बातें सुन रहे थे। बच्चों आज हम सब एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स किस तरह की जगह में रहना पसंद करते हैं,
हम ये भी पढ़ेंगे कि उनके खाने पीने की हैबिट्स कितनी अलग अलग होती है। सारे बच्चे ध्यान से टीचर की बातें सुन रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैर के बारे में। आप सब अपनी बुक्स में देखिए, उसमें आपको बैर की फोटो दिखाई देगी। सब बच्चे अपनी बुक में देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी बैर की फोटो दिखती है। बच्चों, ये एक स्लॉथ बैर है। बैर की ये स्पीशीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये बैर रहता तो जंगल में है, पर सोने के लिए वो अक्सर आसपास की गुफाओं में जाता है। बैर का फेवरेट खाना है चींटियां, पर कभी कभी वो फ्रूट्स और सीड्स भी खा लेते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको बैर के बारे में जानकर? हाँ मैम, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बैर के बारे में जानने में बहुत मजा आ रहा था। टीचर ने भी बच्चों को ऐसे ध्यान से सुनते देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, अब हम एलिफेंट के बारे में जानेंगे। एलिफेंट जंगल का सबसे बड़ा एनिमल होता है, और जो एलिफेंट्स इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स में से एक होते हैं। एलिफेंट्स को अक्सर अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद होता है, और इसीलिए वो सब साथ साथ ही घूमते हैं। एलिफेंट्स को घास, पत्तियां और केले खाना बहुत पसंद है, और वो एक दिन में कम से कम 330 पाउंड खाना खा सकते हैं। क्या 330 पाउंड्स खाना? इतना सारा खाना कैसे खा लेते हैं एलिफेंट्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा है, तो उसे बहुत सारा खाना पड़ता है। समझ गए बच्चों? सारे बच्चे एक साथ हाँ में सिर हिलाते हैं। मैम, ये सारे एनिमल्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? वैसे तो एनिमल्स जू में भी मिलते हैं, पर वो उनका असली घर नहीं होता। इन एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि इनके असली घरों में देखने के लिए तुम्हें नेशनल पार्क जाना पड़ेगा। स्कूल ओवर हो जाता है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पापा के एक पुराने फ्रेंड मोनू अंकल आए हुए हैं। आओ आओ बच्चों, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो बहुत अच्छे अंकल। बच्चों, मोनू अंकल तुम दोनों को घुमाने के लिए ले जाने आए हैं। चलो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे? गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों को एक साथ एक आइडिया आता है। दोनों एक साथ जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, हमें नेशनल पार्क घूमने जाना है। नेशनल पार्क शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए गट्टू और चिंकी की 2 दिन की ट्रिप थी मोनू अंकल के साथ। मम्मी दोनों के बैग्स पैक कर देती हैं और मोनू अंकल गट्टू और चिंकी को लेकर नेशनल पार्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गट्टू और चिंकी नेशनल पार्क पहुँच गए और मोनू अंकल जंगल सफारी की टिकट लेकर आते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो मोनू अंकल के पीछे पीछे चल दिए। सामने एक बहुत बड़ा गेट था जिसमें 2 लायंस बने हुए थे, और उस गेट से एंटर करते हुए उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड्स देखे जिसपे कई तरह के मैप्स बने हुए थे। कुछ बोर्ड्स पर लिखा था कि वहाँ कचरा फेंकना मना है। गट्टू और चिंकी, हमारी जंगल सफारी 2 घंटे की होगी। वो देखो, सामने हमारी टीम, गाइड और ड्राइवर जीप में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मोनू अंकल और गट्टू चिंकी जाकर जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ गट्टू और चिंकी के एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ने लगी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी बेयर और एलिफेंट को देखना था। नेशनल पार्क का घना जंगल अब शुरू हो गया था। सबसे पहले गाइड ने सारी टीम को 2 छोटे-छोटे पिकॉक्स दिखाए जो कि आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वाह, कितना सुंदर है ये पिकॉक। सच में मैंने कभी इतने सुंदर पिकॉक्स नहीं देखे है। बच्चों की बात सुनकर मोनू अंकल मुस्कुरा दिए। आगे बढ़ते हुए गाइड ने दूर खड़े एक डियर की तरफ इशारा किया जो कि एक छोटे से तालाब से पानी पी रहा था। गाइड ने ड्राइवर से जीप को स्लो करने के लिए कहा और बाकी सबसे एकदम शांत रहने के लिए कहा। गट्टू चिंकी, एकदम शांत रहना, अगर इस डियर ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो भाग जाएगा। गट्टू और चिंकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर जीप आगे बढ़ी। जीप एक जंगल में पहुँच कर रुक जाती है। क्या हुआ अंकल, हम यहाँ क्यों रुके हैं? चिंकी, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक लायन है, अब हम उसे देखेंगे। अरे वाह, अब हम लायन देखेंगे? मुझे तो डर लग रहा है अंकल,
कहीं उस लायन ने हमें खा लिया तो? अरे नहीं नहीं चिंकी, हमारी जीप तो उससे बहुत दूर रहेगी, वो हमें देख भी नहीं पाएगा। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कुछ घनी झाड़ियों के पीछे जाकर रुक गई। गाइड ने सारे टूरिस्ट को एक एक करके बाइनोकुलर्स दिए और दूर बैठा एक लायन दिखाया। देखो उस लायन ने अभी अभी अपना शिकार खाया है और अब आराम कर रहा है। कितना बड़ा लायन है ये, मुझे तो इसे देखकर मजा ही आ गया। हाँ सच में कितना बड़ा है ये लायन और साथ ही साथ कितना खतरनाक भी लग रहा है। फिर जीप आगे चल पड़ी। आखिर में गट्टू और चिंकी को जिस एनिमल का इंतजार था वो दिख गया। उनके आसपास की जमीन थोड़ी थोड़ी कांपने लगी और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट का हर्ड उनके सामने से निकल रहा था। इतने सारे एलिफेंट्स को अपने सामने देखकर गट्टू और चिंकी तो एकदम हैरान रह गए थे। बाप रे कितना बड़ा है ये एलिफेंट और इसके बाकी के दोस्त। हमारी टीचर सही कहती थी, ये सब तो आराम से खा जाते होंगे 330 पाउंड खाना। लेकिन इसके लिए इतना खाना आता कहाँ से होगा, भला कौन बनाता होगा? अरे इस नेशनल पार्क में काम करने वाले लोग ही इन सारे एनिमल्स के खाने पीने का ध्यान रखते हैं बच्चों। इस बड़े से एलिफेंट का खाना भी वही लोग लाते हैं। ऐसे ही जीप आगे बढ़ती रही और गट्टू और चिंकी ने बहुत सारे एनिमल्स देखे। उन्होंने रैबिट, मॉन्की, जिराफ, राइनोसेरस को भी देखा। गट्टू और चिंकी को हर एक एनिमल को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि उनके घर के आसपास तो उन्होंने कभी भी कोई बड़ा एनिमल नहीं देखा था। बहुत पहले चिंकी की एक फ्रेंड के घर में एक छोटा सा रैबिट हुआ करता था, पर यहाँ जो रैबिट्स थे वो तो बहुत अलग थे। ये रैबिट्स उस रैबिट से ज्यादा बड़े थे और ज्यादा सुंदर भी। उन्हें एनिमल को देखने के साथ में अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ लेसन्स भी याद आ रहा था। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और जंगल सफारी पूरी हुई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब पूरे हो गए। हाँ सच में बहुत मजा आया। मोनू अंकल दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थे और फिर उन्होंने दोनों को एक एक आइसक्रीम दिलाई और सब लोग घर की तरफ चल पड़े। अंकल हमें आप फिर से नेशनल पार्क लेकर जरूर आइएगा। हाँ अंकल हमें यहाँ बहुत मजा आया, मैं तो फिर से जरूर आना चाहूँगा। हाँ हाँ बच्चों क्यों नहीं, मैं अगली छुट्टियों में फिर से तुम्हें नेशनल पार्क घुमाने लाऊंगा। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी ने मम्मी को नेशनल पार्क की ढेर सारी बातें बताई। मम्मी भी उन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गईं। अरे वाह मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने वहाँ कितना कुछ सीखा। चलो अब मोनू अंकल को बाय कर दो और हाँ थैंक यू भी बोलो। बाय बाय अंकल, आप हमसे मिलने फिर से जल्दी आना। हाँ अंकल थैंक यू हमें घुमाने ले जाने के लिए। हाँ बच्चों जरूर। इतना कहकर मोनू अंकल अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने सब दोस्तों और अपने टीचर्स को भी बताया कि उन्होंने नेशनल पार्क में कितने सारे एनिमल्स देखे। भाई बहन का सच्चा प्यार। आज भाई दूज का दिन था और गट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि चिंकी की नींद अब तक नहीं खुली थी। गट्टू लिविंग रूम में बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था और हंस रहा था, तभी मम्मी वहां आती है। अरे गट्टू आज तुम जल्दी उठ गए, अरे चिंकी अभी तक सो रही है, भला ये सब क्या हो रहा है आज? पता नहीं मम्मी, शायद आज उसे ज्यादा सोने का मन होगा। और मेरे तो फेवरेट प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, वो देखना तो जरूरी था ना। स्पेशल एपिसोड? वैसे इससे याद आया चिंकी भी तो कल जल्दी उठने का ही कह रही थी ना। तभी अचानक से चिंकी गुस्से से बाहर आती है और गट्टू पर चिल्लाने लगती है। मम्मी गट्टू ने रात में जानबूझकर मेरा अलार्म बंद कर दिया और मैं जल्दी नहीं उठ पाई। अरे अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंकी, जरा ठीक से पूरी बात बताओ क्या हुआ है? आज मेरा फेवरेट कार्टून का स्पेशल एपिसोड टीवी पर आने वाला था और गट्टू के फेवरेट कार्टून का भी स्पेशल एपिसोड सेम टाइम पर आना था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे चैनल चेंज कर करके, पर गट्टू ने जानबूझकर मेरा सुबह वाला अलार्म बंद कर दिया और चीटिंग करी और अकेले ही अपना कार्टून देख लिया। अरे भला इसमें चीटिंग क्या, तुम्हारा अलार्म नहीं बजा उसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट गट्टू क्या सच में तुमने ऐसा किया? तभी चिंकी गुस्से में मम्मी से कहती है। मम्मी इसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं गट्टू से बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसी बात पर दोनों का मुंह फूल जाता है और मम्मी दोनों को इस तरह देखकर परेशान हो जाती हैं। अरे पर तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, आज भाई दूज है। मम्मी पर गलती गट्टू की ही है, इससे कहो मुझे सॉरी बोले तभी मैं इसे टीका लगाऊंगी। भला मुझे तुमसे टीका लगवाने की क्या जरूरत, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। गट्टू मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मम्मी पापा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों में से कोई नहीं मानता। दोपहर में सब लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गट्टू जिंकी, तुम दोनों अब तक एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। अरे अब तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे। चिंकी क्या तुम शाम को गट्टू को टीका भी नहीं लगाओगी। टीका? पर मम्मी टीका तो भाइयों को लगाते हैं ना, मेरा कोई भाई नहीं, मैं तो सिर्फ बंटी और हरी को टीका लगाऊंगी, वो हर साल मुझसे टीका लगवाने आते हैं। मम्मी किसी को ये बता दो कि मुझे भी अनजान लोगों से टीका लगवाने का कोई शौक नहीं है। लगता है इन दोनों का झगड़ा इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मम्मी पापा हार मान लेते हैं और गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहते। शाम को हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाने आते हैं। चिंकी मैं और बंटी तुमसे हर साल की तरह फिर से भाई दूज पे टीका लगवाने आए हैं। अरे आओ आओ हरी बंटी, तुम दोनों कितने अच्छे हो, कभी भी भाई दूज पर मुझे नहीं बोलते। हाँ चिंकी पर ये गट्टू कहाँ है। मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे, फिर से कोई चीटिंग कर रहा होगा। हैं? ये क्या कह रही हो चिंकी, गट्टू तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ मैं सिर्फ तुम दोनों को ही टीका लगाऊंगी। तभी पीछे से मम्मी आरती की थाली लेकर आती है। चिंकी ऐसे नहीं कहते बेटा, गट्टू भी तुम्हारा भाई है ना, ये लो आरती की थाली, इसमें से हरी और बंटी को टीका लगा दो। ओके मम्मी। चिंकी बारी बारी से बंटी और हरी को टीका करती है। वहाँ दूसरी तरफ गट्टू दुखी होकर घर की बालकनी में अकेले बैठा था जब हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवा कर और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं। तभी चिंकी किचन में जाकर मम्मी से धीमे से पूछती है, मम्मी गट्टू कहाँ है। चिंकी गट्टू कब से बालकनी में उदास बैठा है, सारे भाइयों ने अब तक अपनी अपनी बहनों से टीका लगवा लिया होगा और तुम दोनों की छोटी सी बहस की वजह से देखो इतनी देर हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है अब। चिंकी को ये सुनकर दुख होता है और वो गट्टू को माफ कर देती है। वो बालकनी में गट्टू के पास आरती की थाली लेकर जाती है। गट्टू आओ मैं तुम्हें टीका लगा दूं। अरे चिंकी। गट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंकी तुमने मुझे माफ कर दिया ना। हाँ गट्टू आज तो भाई बहन का दिन होता है ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब आओ इससे पहले और देर हो मैं तुम्हें टीका लगा दूं। ओके चिंकी। चिंकी गट्टू को टीका लगा देती है। तभी गट्टू को कुछ याद आ जाता है। चिंकी मैं अभी आया, तुम यहीं वेट करो। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो गट्टू। इतने में गट्टू दौड़कर अपने रूम में जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वापस चिंकी के पास आ जाता है। ये लो चिंकी। अरे ये क्या गट्टू। ये तुम्हारा गिफ्ट, मैं कल ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, भाई दूज का गिफ्ट, इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। अच्छा क्या है इसमें। वो तो तुम खुद ही खोल कर देखो। चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोल कर देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उस गिफ्ट के अंदर एक की चेन थी जिस पर चिंकी का फेवरेट कार्टून बना हुआ था। अरे वाह गट्टू ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू गट्टू। वेलकम चिंकी, और सुबह वाली मेरी शरारत के लिए सॉरी भी चिंकी। इट्स ओके गट्टू मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। इंडियन फूड वर्सेस चाइनीज फूड। गट्टू और चिंकी को यूं तो सारी चीजें पसंद थी, जैसे कि खेलना कूदना नाचना गाना घूमना नई नई जगह देखना और भी बहुत सारे। दोनों बच्चे इतने प्यारे और चंचल थे कि उनकी फेवरेट चीजें भी बहुत जल्दी बदल जाती थी।
जैसे एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ तो सब बच्चे टिफिन खोलकर खाना खाने इकट्ठे हो गए। नीलेश, भूषण, बंटी, अपने प्यारे गट्टू चिंकी, सबने अपना अपना टिफिन बारी बारी से खोला। आज मैंने लंच में लाया है मंचूरियन। वाओ, इट्स सो यमी। और तुमने क्या लाया है भूषण? मेरे टिफिन में आज है नूडल्स। और सभी के टिफिन में चाइनीज फूड नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी गट्टू और चिंकी के टिफिन खुलने बाकी थे। तब नीलेश ने एक्साइट होकर उनसे कहा, अरे गट्टू चिंकी, तुम भी अपना टिफिन खोलो, आज क्या खास है खाने को देखे तो जरा। हाँ हाँ, तुम्हारे टिफिन में रोज कुछ हटके होता है। बंटी के ऐसा कहते ही सभी गट्टू और चिंकी की तरफ देखने लगे, लेकिन शायद गट्टू और चिंकी को पहले से ही टिफिन में क्या है ये पता था, इसलिए उनके मुंह पर कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं थी। दोनों ने एक साथ ही टिफिन खोला और फिर साथ में ही जवाब दिया, ओफो, आलू की सब्जी, चपाती और सम पीसेस ऑफ गाजर। एक हंसी का ठहाका लगा। गट्टू, चिंकी और उनके बाकी सभी दोस्त बहुत हंसे। गट्टू और चिंकी, तुम्हें मंचूरियन खाना है तो इसमें से खाओ। और हाँ, नूडल्स भी है, बहुत टेस्टी लगता है। सबने मिलकर नीलेश, भूषण, इनके टिफिन में जो चाइनीज फूड था उसे ही खाना पसंद किया। देखते ही देखते सब चाइनीज फूड सफाचक हो गया और गट्टू चिंकी का टिफिन जिसमें आलू की सब्जी थी उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। घर से लाया हुआ टिफिन गट्टू और चिंकी वैसा का वैसा ही वापस ले आए। मम्मी ने जब टिफिन चेक किए तो उन्हें पता चला आलू की सब्जी, चपाती सब गट्टू और चिंकी ने वैसा ही छोड़ा है, कुछ भी नहीं खाया। ये देखकर मम्मी ने गट्टू और चिंकी को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी बेटा जरा यहाँ आओ। गट्टू चिंकी दौड़ते दौड़ते वहाँ आए और जब मम्मी के हाथ में उन्होंने टिफिन देखा तो समझ गए कि मम्मी अब डांटेंगी। गट्टू और चिंकी, तुमने आज स्कूल में खाना नहीं खाया, टिफिन में तो सब वैसा ही है। वो मम्मी, हम भूल गए, चलो चिंकी। गट्टू और चिंकी बाहर भागने लगे और जब मम्मी ने पूछा तो चिंकी ने भागते हुए ही जवाब दिया, अरे कहाँ जा रहे हो अब? खेलने जा रहे हैं मम्मी, ग्राउंड पर। लेकिन खाना? खा लिया था मम्मी। इससे पहले कि मम्मी कुछ और पूछती दोनों तो जा चुके थे। इस तरह गट्टू और चिंकी मम्मी के डांट से बच गए। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक के वक्त सब रोज की तरह इकट्ठे हो गए और आज फिर से गट्टू और चिंकी छोड़ सब ने कुछ ना कुछ चाइनीज फूड लाया ही था। लेकिन इस बार गट्टू और चिंकी दोनों ने भी अपना टिफिन निकाला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि आज भी कुछ हेल्दी जैसी सब्जी होगी। आज से मेरी फेवरेट चीजों की लिस्ट में चाइनीज फूड भी मैंने ऐड कर लिया है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मंचूरियन, ये नूडल्स तो बहुत टेस्टी था। जो एक बार चाइनीज फूड टेस्ट करता है उसका हमेशा के लिए ये फेवरेट फूड बन जाता है। आज भी सबने मिलकर नीलेश, भूषण के टिफिन में लाई हुई चाइनीज डिशेज ही खाई। आज तो बंटी ने भी नूडल्स लाई थी। घर जाते वक्त गट्टू और चिंकी बातें कर रहे थे कि उन्हें भी अब चाइनीज खाना खाना था, लेकिन मम्मी से कैसे कहे कि टिफिन में हमें चाइनीज बना के दे दे, ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने था। चिंकी, मुझे वो मंचूरियन बहुत अच्छा लगा, मुझे पेट भर के चाइनीज खाना है। मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद आए, लेकिन मम्मी हमें टिफिन में ये सब नहीं देंगी। आइडिया, हम मम्मी से कहेंगे कि किसी चाइनीज फूड वाले होटल में चले ताकि हम भर पेट नूडल्स और मंचूरियन खा पाएं। गट्टू चिंकी के घर जाते ही मम्मी ने उन्हें रोका और पूछा, आज टिफिन खाया कि नहीं, जरा दिखाओ। मम्मी दोनों का टिफिन खोलकर देखती है तो फिर आज वैसा ही टिफिन था। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तब चिंकी बताती है कि वो सब दोस्त मिलकर इकट्ठा खाना खाते हैं और उनके टिफिन में ही गट्टू चिंकी का खाना हो जाता है। चिंकी आगे मम्मी से होटल में जाने की बात करती है। मम्मी, मुझे और गट्टू को चाइनीज फूड खाना है, क्या हम कल होटल चले जहाँ भरपेट चाइनीज फूड खा सके? हाँ मम्मी, मेरा तो फेवरेट है नूडल्स, मुझे वो खाने हैं। नहीं नहीं बच्चों, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हमारा इंडियन फूड बहुत हेल्दी होता है, तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। मम्मी के लाख मना करने पर भी गट्टू चिंकी सुनते नहीं है, इसलिए मम्मी राजी हो जाती है और गट्टू चिंकी खुश हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बार तुम्हें मैं चाइनीज खिलाने ले जा रही हूँ। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और गट्टू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उनकी मासी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। देखो बच्चों,
मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी खाने की चीजें लाई हूँ। नहीं दीदी, गट्टू और चिंकी को चाइनीज फूड पसंद है, वो शुद्ध घी से बने हुए लड्डू बर्फियाँ ये सब नहीं खाते। अच्छा ठीक है, मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाती हूँ सिर्फ हम दोनों के लिए। मासी ने मम्मी की मदद लेकर पनीर के इतने सारे पदार्थ बनाए कि गट्टू चिंकी दौड़ते हुए आए और खाने पे ऐसे टूट पड़े कि चाइनीज फूड तो जैसे भूल ही गए। उसके बाद मासी ने बहुत बढ़िया फ्रूट सलाद बनाया, पराठे बनाए और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। बच्चों, सबसे अच्छा और सेहत के लिए जरूरी अगर कुछ है तो वो हमारा इंडियन फूड है। चाइनीज फूड लगने के लिए थोड़ा सा टेस्टी लगेगा लेकिन उससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और मम्मी उसे उठाती है। फोन पर भूषण की मम्मी बात कर रही थी। बात करके मम्मी फिर से मासी, गट्टू और चिंकी के पास आई और कहा, गट्टू चिंकी, तुम्हारा दोस्त है ना भूषण, उसकी मम्मी का कॉल आया था मुझे। भूषण के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो भी चाइनीज फूड ही खा रहा था 2-3 दिन से। अब समझे गट्टू चिंकी कि किस तरह हमारा इंडियन फूड बेहतर है। गट्टू चिंकी सोच में पड़ जाते हैं कि चाइनीज फूड खाए या ना खाए। दूसरे दिन मासी के साथ सभी होटल में गए थे। आज मौसी को मम्मी की तरफ से पार्टी थी, गट्टू चिंकी भी साथ आए थे। गट्टू चिंकी चलो बताओ बेटा, तुम क्या खाना पसंद करोगे, मंचूरियन या नूडल्स, कुछ खाना है? गट्टू चिंकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर दोनों ने कहा, नहीं मम्मी, हमें चाइनीज नहीं खाना, हमें इंडियन फूड ही खाना है जो एकदम टेस्टी और सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर क्या, उसके बाद सभी ने उस होटल में इंडियन फूड एंजॉय किया। गट्टू चिंकी और आइसक्रीम। ये हम पास हो गए, ये मेरे होशियार बच्चे, बहुत खूब। मम्मी हम दोनों फर्स्ट आए। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने, दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम दिए। गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आए थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद, अब शुरू छुट्टियां। अब हम जाएंगे नाना नानी के घर। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तुम यहीं खेलो। तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में, बाय बाय। गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दौड़ पड़े ग्राउंड की तरफ। ये छुट्टियां शुरू हो गई, बताओ क्या खेलें? चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन छुपाई। हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंढेगा। नहीं नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? यार गट्टू जाना, हम लोग छुपते हैं ना, तो गिनती कर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी झट से सबको पकड़ लूंगा, जाओ भागो। 1, 2, 3, मैं आ रहा हूँ। सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए, उन्हें किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे, मानो अभी अभी नहा के आए हो। हाय राम ये गर्मी। अरे यार बहुत गर्मी है, आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ मुझे भी कुछ ठंडा खाना या पीने का मन कर रहा है। चलो हम लोग नींबू शरबत पीते हैं। अरे लेकिन हमेशा वाली नींबू शरबत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे। तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए। अरे वो देखो, सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे हैं, चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। मुझे मैंगो आइसक्रीम दो। मुझे कैडबरी चॉकलेट वाला कैंडी। अरे हाँ हाँ बच्चों, सबको मिलेगा सबको मिलेगा, रुको रुको। सभी बच्चों ने बहुत शान से आइसक्रीम खाई। तेज धूप में बच्चों को शांति मिली। खेलते खेलते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सब बच्चे घर लौट आए। गट्टू और चिंकी बहुत थक गए थे। अरे बच्चों छुट्टियां लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। अभी मैं तुम लोगों को ड्राइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो। नहीं हमें क्लासेस नहीं जाना, हमें तो दिन भर खेलना है। बाहर धूप देखी कितनी है, बीमार हो जाओगे। धूप के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो। पता है आज हम सबके गले खेलते खेलते सूख गए थे तो हमने आइसक्रीम खाई।
हे राम, बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था। अब छुट्टियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू, ये बीमार होकर ही रहेंगे। अरे जाने दो, बच्चे हैं, कभी कभार आइसक्रीम खा लिया तो क्या हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए। गट्टू चिंकी और सारे बच्चे दिन भर अब रोज आइसक्रीम खाने लगे थे। हर रोज आइसक्रीम खाने के चलते राजू बीमार हो गया था। चिंकी जल्दी से टीवी लगाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। अरे रुको रुको, मुझे न्यूज चैनल देखना है। नहीं पापा, हमें हमारे कार्टून देखना है, रुको ना। चिंकी ने झट से रिमोट खींचते हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी पर आइसक्रीम का एड लगा हुआ था। मस्त मस्त कैडबरी आइसक्रीम खाओ और ठंडा ठंडा मजा पाओ। पापा मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। नहीं पापा रुको, आइसक्रीम खाने की वजह से राजू बीमार हो गया था, इसीलिए चिंकी जिद मत करो। लेकिन कभी कभार आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं होते, चलना तुझे भी मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना। ये तो सही बात कही तूने, अब क्या करें? तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है। उन्होंने इन सब की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, हाय राम, मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अरे देखो सौभाग्यवती, कभी कभार आइसक्रीम खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है, आज के दिन खाने देते हैं ना। वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है, रोज रोज थोड़ी ना आइसक्रीम खाएंगे। हाँ एक दिन आइसक्रीम खाने से तो कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन गंदे पानी की आइसक्रीम खाने से जरूर बीमार हो जाओगे। तो अब क्या करें? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है, चलो हम सब लोग मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मा क्या घर पर भी आइसक्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मम्मा हो साथ तो चिंता की क्या बात। सभी लोग हंस पड़े और किचन की तरफ गए। गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि आज उन्हें आइसक्रीम जो खाने मिलने वाली थी। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, उसे छोटा छोटा काटना, तब तक मैं आम काटती हूँ। लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, बाजार से दो चॉकलेट लेकर आओ। और इसी तरह सभी लोग मिलकर आइसक्रीम बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बैटर बन जाता है, मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है। अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दोपहर तक हमें मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलेगी। इतना वक्त? अरे बाबा, इतनी मेहनत की, अब उसके आगे भी और इंतजार। बेटा मेहनत का फल मीठा होता है। चिंकी ने फ्रीज का दरवाजा खोला। मम्मी अभी भी आइसक्रीम नहीं बनी है? ये तो अभी भी पानी पानी ही है। जितनी बार फ्रिज खोलोगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें आइसक्रीम मिलने में। बंद कर दो दरवाजा, थोड़ा इंतजार करना सीखो। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है। गट्टू और चिंकी दिन भर दरवाजा खोलते और फिर बंद करते, वो आइसक्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली दूसरे दिन सुबह तक उनकी आइसक्रीम जम गई। याहू, हमारी आइसक्रीम बन गई। चलो अभी हम राजू, पिंकी, राधा सभी को बुलाते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, और अब हमारा बाहर का आइसक्रीम खाना बंद, अभी हम घर पर ही फलों की आइसक्रीम बना कर खाएंगे, फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के ऊपर हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। गट्टू इन क्रूज। गट्टू चिंकी ने जमीन पर सफर किया था, हवा में सफर किया था, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी ने पानी पर सफर ही नहीं किया था। पापा आपने हमें ट्रेन में सफर करवाया, एयरप्लेन में सफर करवाया, लेकिन शिप तो छूट ही गया। पापा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने भी अब तक किसी शिप में सफर नहीं किया। पानी में सफर? ना बाबा ना, पानी से मुझे बहुत डर लगता है। देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी पानी से डरती है, फिर हम किसी क्रूज में बैठकर दिन रात समुंदर की यात्रा कैसे करें? बोलो। ये सुनकर बेचारे गट्टू चिंकी की आंखों में पानी आ गया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। गट्टू चिंकी पानी में सफर करने की बात भूल भी गए। और एक दिन जब दोनों स्कूल से लौटे तो मम्मी पापा ने उनके सामने जोरदार धमाका किया। अरे अरे नहीं नहीं, असली वाला धमाका नहीं। कौन सा धमाका वो आप खुद सुन लो। बच्चों, अगले 4 दिन हम चारों में से कोई भी ना तो जमीन पर चलेगा, खाएगा, सोएगा
और ना ही कुछ करेगा। चिंकी बेचारी चिंतित होकर बोली, क्या बात है पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिगड़ी नहीं है बेटा, तबीयत सुधरने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारी समंदर में यात्रा होने वाली है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कहा आपने, हमने कुछ गलत सुना क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने, हम 4 दिन एक आलीशान क्रूज में बैठकर दिन रात समंदर की यात्रा करने वाले हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाचने लगे और नाचते नाचते अपने पापा को बिलक गए। मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें क्या लगा हमारा सपना नहीं है तुम्हारे साथ पानी में सफर करने का? बस पापा का बजट नहीं था इसलिए मैंने डर का बहाना बनाया, लेकिन अब पापा का बजट बन गया है, अब मुझे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम सब क्रूज में जाएंगे और रात दिन पानी का सफर एंजॉय करेंगे। ये! और आ ही गया वो दिन जिसका था गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार। दूसरे दिन सुबह ही गट्टू चिंकी बोर्डिंग टाइम से कुछ घंटे पहले ही टैक्सी में बैठकर पोर्ट पहुंचे। गट्टू चिंकी पहली बार जहाजों का स्टेशन यानी पोर्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे। पोर्ट काफी विशाल था, वहाँ छोटे मोटे जहाज और सैकड़ों लोग थे, बहुत मजा आ रहा था। अब हम अपनी क्रूज कंपनी की बस में बैठकर क्रूज तक पहुँचेंगे। फिर चारों एक बस में बैठ गए और बस ने उन्हें क्रूज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्रूज इतनी विशाल इतनी महाकाय थी कि वह गट्टू चिंकी की छोटी छोटी आंखों में समा ही नहीं रही थी। गट्टू काफी एक्साइटेड था, लेकिन क्रूज देखकर चिंकी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, क्रूज मतलब पानी पर तैरने वाला आलीशान होटल। अब देखो, तुम अभी डर रही हो, लेकिन अंदर जाते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी। और वही हुआ। गट्टू चिंकी मम्मी पापा और काफी सारे लोग जब क्रूज में आकर घूमने लगे तो ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी ऐसी दुनिया में आ पहुंचे हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिच है। अंदर क्रूज का पूरा इंजीनियर डेक, कमरे, सब कुछ ऐसा था मानो किसी 5-स्टार होटल का नजारा हो। वाओ, क्या रौनक है यहाँ। 4 दिन नहीं, मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। हमारा कमरा ओशियन व्यू वाला है, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक कमाल दिखाता हूँ। ऐसा कहकर पापा ने एक पर्दा हटाया तो कांच से समंदर का काफी खूबसूरत और बढ़िया सा व्यू नजर आया। सब लोग वो नजारा देखने में खो गए थे कि अचानक सब हिलने लगे मानो भूकंप आया हो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। गट्टू, तुम भूल गए, हम जमीन पर नहीं है बेटा, पानी पर खड़े हैं। और ये भूकंप नहीं है, क्रूज हिल रही है क्योंकि हमारा सफर शुरू हुआ है। ये! अब क्रूज का सफर शुरू हो और सब लोग कमरे में चुपचाप बैठे रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग अपने अपने कमरे से निकलकर हल्का हल्का हिलते डुलते हुए क्रूज में भटकने लगे और इंजॉय करने लगे। क्रूज में काफी सारे डेक थे। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ अलग अलग डेक जाकर समंदर का ओपन व्यू देख रहे थे। चारों तरफ बस समंदर का नीला पानी था। शाम हो चुकी थी, ठंडी ठंडी तेज हवा लहरों को छूकर गट्टू चिंकी को गुदगुदी कर रही थी। सब कुछ खुला खुला, कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं था। क्रूज पर स्विमिंग पूल भी था जिसमें कुछ लोग मस्ती कर रहे थे, बाकी भी बहुत सारे फन एलिमेंट्स थे। तभी रात हो गई और क्रूज की चमक धमक और ज्यादा बढ़ गई। चारों तरफ क्रूज पर बस लाइट सी लाइट टिमटिमा रहे थे और क्रूज के चारों तरफ काला घना समंदर का गहरा पानी था। फिर मम्मी पापा गट्टू के साथ क्रूज के अंदर की दुनिया में आए। वहाँ बहुत बड़ा होटल था, सबने मिलकर डिनर किया। खाना काफी स्वादिष्ट और वैरायटी बाज था। फिर सब लोग थिएटर में गए। मुझे तो आज ही पता चला कि शिप में थिएटर भी होता है। सब लोगों ने थिएटर में डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम एंजॉय किया। फिर पापा ने सबको क्रूज के और पार्ट्स भी दिखाए जिसमें जिम, लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल और भी बहुत कुछ था। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्रूज नहीं, समंदर के पेट में सफर करने वाली मछली है और उसके पेट में ये इतनी शानदार दुनिया बसी हुई है। ये सुनते ही पापा बोले, अरे चलो, मुझे तुम्हें कुछ काफी इंटरेस्टिंग दिखाना है। फिर पापा फिर से सबको लेकर एक ऐसे डेक पर आए जहाँ से समंदर का सामने वाला नजारा काफी विशाल दिख रहा था।
पापा आप क्या दिखाने लाए हो हमें यहाँ? कुछ मत बोलो, बस चारों तरफ ध्यान से देखते रहो। गट्टू चिंकी शांति से इधर उधर देखने लगी, तभी अचानक गट्टू चिल्लाया, अरे वो देखो डॉल्फिन! समंदर के काले गहरे पानी में से सफेद सफेद सिल्वर सिल्वर चमकीले डॉल्फिन ऊपर छलांग मार रहे थे और वापस पानी में गायब हो रहे थे, मानो वो उछल उछल कर गट्टू चिंकी के क्रूज का स्वागत कर रहे थे। और क्रूज उन डॉल्फिन के बीच से रास्ता बनाती हुई बढ़ती जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। ट्री प्लांटेशन, पर्यावरण के बारे में गट्टू और चिंकी पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, इसलिए आज गट्टू और चिंकी के कहने पर सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बच्चे एक एक पौधा अपने सोसाइटी गार्डन में लगा रहे हैं। मम्मी पापा हम आम का पेड़ लगाएंगे। मम्मी हम अमरूद का पेड़ भी लगाएंगे। हाँ हाँ गट्टू चिंकी, आम का भी लगाएंगे और अमरूद का भी लगाएंगे, ठीक है? तभी वहाँ पर बंटी आया। गट्टू मैं तो फूलों का पेड़ लगाऊंगा, मुझे फूल बहुत पसंद है। गुड आइडिया बंटी, सोसाइटी खूबसूरत दिखेगी। मैंने भी फूल का पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने आम का पेड़ लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें अपना आम का पेड़ लगाया। चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर गट्टू ने उस पर पानी छिड़का और इस तरह से आम का बीज बोया गया। देखो मेरा आम का पेड़ लग गया, अब बस ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। गट्टू बेटा, पेड़ पर फल लगने को काफी समय लग जाते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी फल मिलेंगे, अरे इंतजार करना होगा। चलो ना अब मेरा अमरूद का पेड़ लगाते हैं, मैं अपना पौधा कहाँ लगाऊं? आओ चिंकी अपना पौधा यहाँ लगाओ। गट्टू और चिंकी ने मिलकर चिंकी का अमरूद का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बनाया और उसी तरह से गड्ढे में पौधा लगाया और ऊपर से मिट्टी डालकर चिंकी ने पानी छिड़का और इस तरह से सभी बच्चों ने मिलकर सोसाइटी गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया। सभी बच्चों के मम्मी पापा घर चले गए, बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हें पता है पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पेड़ से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा फिर तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी तुम्हें पता है फूलों के पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं। अरे वाह ये तो अच्छी बात है, मेरा अमरूद का पेड़ भी जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा ताकि मैं खट्टे मीठे अमरूद खा सकूं। हाँ मेरा आम का पेड़ भी बहुत जल्द बड़ा होगा, मैं इसे कई बार पानी डालूंगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बड़ा हो जाए। देखो मैंने फूलों का पेड़ लगाया है, मैं अपने फूल तुम सब में बांटूंगा, लेकिन मुझे मीठे मीठे और खट्टे मीठे फल भी देना। हाँ बंटी क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डालना, तभी मैं तुम्हें अपने फल दूंगा। सभी हंस पड़े। चिंकी अपने लाए पौधे की ओर जाकर बात करने लगी। मेरा प्यारा पौधा जल्दी से बड़े हो जाओ, मुझे बड़ा पेड़ देखना है और खट्टे मीठे फल खाने हैं। गट्टू चिंकी घर चले गए और डिनर करने के बाद दोनों सोने चले गए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, कहीं पेड़ उग तो नहीं आया ना? अरे गट्टू नहीं, पापा ने कहा था पेड़ इतने जल्दी नहीं उगते। गट्टू चिंकी सो गए। अगले दिन चिंकी जल्दी उठ गई। चिंकी अपना पौधा देखने सोसाइटी गार्डन में पहुंची। चिंकी देखकर हैरान हो गई। चिंकी का पेड़ बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड़ पर लटक रहे थे। हाँ इतना बड़ा पेड़, लेकिन पापा ने तो कहा था पेड़ इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। तभी चिंकी ने आवाज सुनी। चिंकी मैं बड़ा हो गया, तुम्हें अब मेरा और भी ख्याल रखना होगा। हाँ मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, मैं पानी लेकर आती हूँ। चिंकी दौड़ कर गई और पानी का झारा लेकर आई, लेकिन ये क्या, चिंकी के अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे बंदर चढ़ गए और उछल उछल कर चिंकी के अमरूद खाने लगे। अरे नहीं ये क्या, बंदर कहाँ से आ गए? चिंकी रोने लगी और देखते ही देखते बंदरों ने पूरा पेड़ सपाचट कर दिया और ताजे ताजे फल खा लिए। फिर चिंकी से कहने लगा, चिंकी देखो तुम्हारे सारे फल बंदर खा गए। लेकिन फल तो मुझे खाने थे, मुझे एक भी नहीं मिला। फिर चिंकी और रोने लगी, मम्मी मम्मी मुझे फल चाहिए। वो बेटा चिंकी
रुक जाओ बेटा। मम्मी चिंकी को हिला हिला कर उठाने लगी। चिंकी ने अपनी आंखें खोली। अरे नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। तभी चिंकी मम्मी को बिलक गई। क्या हुआ चिंकी बेटा, किस तरह का सपना देखा? मम्मी, मैंने सपने में देखा कि बंदर मेरे सारे फल सफा चट कर गए और मुझे एक भी नहीं मिला। तभी पापा भी कमरे में आए। क्या हुआ चिंकी को? मम्मी ने पूरी बात पापा को बताई। चिंकी ने सपना देखा कि उसके सारे अमरूद बंदर खा गए हैं। बस इतना ही? चलो नाश्ता करते हैं, आओ। गट्टू चिंकी ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आकर बैठे। पापा देख रहे थे कि चिंकी का चेहरा उतरा हुआ था। बेटा चिंकी, मैंने तुमसे क्या कहा था, पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते, और अगर तुम्हारे लगाए पेड़ से बंदरों ने खा लिया तो इसमें क्या हुआ? पेड़ तो दूसरों के लिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन पापा, ट्री प्लांटेशन सोसाइटी में हमने की, या पानी हमने डाला, तो फिर फल कोई और खा जाए तो बुरा ही लगेगा ना। तभी मम्मी, दादी ने गांव से भेजा हुआ आम का अचार लेकर आई। मम्मी ने गट्टू चिंकी और पापा को अचार के साथ गर्मा गर्म रोटी दी। पापा, गट्टू और चिंकी ने चटकदार आम का अचार खाया और चिंकी का मुंह भी चटकदार हो गया। वाह मम्मी, अचार तो काफी चटपटा है। आम का अचार तो काफी टेस्टी है, दादी को कहना और लेकर आए। हाँ हाँ बच्चों, मैं दादी से जरूर कहूँगी। अच्छा गट्टू चिंकी, मुझे ये बताओ अचार किससे बना है? पापा, अचार तो आम से ही बना है ना? तो चिंकी मुझे ये बताओ, इस अचार के लिए जो आम इस्तेमाल हुए हैं, क्या तुमने इस आम का पेड़ लगाया है या तुमने उन पेड़ों को पानी डाला था? नहीं पापा, मुझे तो पता भी नहीं कि इन आमों के पेड़ कहाँ लगे हैं, तो मैं पानी कैसे डालूंगी? नहीं समझ रही हो बेटा, उसी तरह से अगर तुम्हारे लगाए पेड़ों के फल कोई और खाए तो इसमें तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है हम गांव गए थे तब हमारे घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ थे जिन्हें उगने में कई साल लग जाते हैं, और कई सालों पहले वो पेड़ लगाया गया, तभी तो हम उस रसीले और ताजे ताजे फलों का स्वाद ले पाते हैं। गट्टू चिंकी मन लगाकर पापा की बात सुन रहे थे। आगे मम्मी बोली, इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए तभी तो हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और हरियाली का जीवन जीना हो तो हमें आज पेड़ों की आबादी बढ़ानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में वातावरण का तापमान सही तरह से बना रहे। हाँ मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इतना ही नहीं, सोसाइटी गार्डन के पेड़ भी कई सालों से लगाए गए होंगे, तभी तो हम वहाँ झूला बांधकर झूला झूल सकते हैं, और हमें ठंडी ठंडी छांव भी तो मिलती है। सही कहा गट्टू। चलो गट्टू तो समझ गया, लेकिन चिंकी तुम समझे या नहीं? बिल्कुल समझ गई पापा। गट्टू चिंकी के गुड हैबिट्स। हम सब जानते हैं कि बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। अच्छी और बुरी आदतें बच्चे देखकर सीख जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों में फर्क करना सीखना जरूरी हो जाता है। आज स्कूल में गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है। सभी बच्चे आने वाले सर का इंतजार कर रहे थे, तभी वे क्लास में दाखिल हुए। वह सर काफी यंग थे और उनके हाथ में कुछ किताबें और एक बड़ा सा टैब था। उन्हें देखकर बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं सभी से गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सभी मुझे अपनी अच्छी आदत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तुम, सर ने बंटी की ओर हाथ करते हुए कहा। अचानक बंटी को बोलने के लिए कहा गया और बंटी हिचकिचाकर बोलने लगा, मेरी अच्छी आदत है कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। बंटी के जवाब पर क्लास हंस पड़ा। अच्छा नेक्स्ट। पापा मम्मी कहते हैं कि स्कूल का होमवर्क पूरा करना मेरी अच्छी आदत है। सर, मेरी अच्छी आदत यह है कि मैं घर पर एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अच्छा गट्टू, वो कैसे? डुओलिंगो ऐप की मदद से। डुओलिंगो? ये क्या है गट्टू? सर, ये वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। मैं आपको आपके टैबलेट में दिखाता हूँ, जिससे कि सब देख पाए। ये लो बेटा। गट्टू टैब लेता है और डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करके सबको दिखाता है। इसमें 40 प्लस लैंग्वेजेस हैं जो आप सीखते हो, और मैं इसमें फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ। वाओ! और तो और, इसको यूज करना भी एकदम इजी है, बिल्कुल एक गेम जैसे। ये देखो सर, इस वाक्य का अनुवाद करें। माय हाउस इज बिग, मेरा घर बड़ा है। ये! अगर आप लोग भी मेरी तरह लैंग्वेज सीखना चाहते हो
तो अभी डाउनलोड करो डुओलिंगो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सर, गट्टू की एक और अच्छी आदत मैं बताऊं? हाँ जरूर बताओ। सर, गट्टू की अच्छी आदत यह है कि वो मुझे हमेशा होमवर्क में मदद करता है, और कई बार गट्टू मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देता है। हाँ सर, मैंने कई बार चिंकी का होमवर्क कंप्लीट किया है। देखो बच्चों, तुम सभी ने अपनी अपनी अच्छी आदतें मुझे बताई, अब यही देख लो गट्टू अपने साथ साथ चिंकी का भी होमवर्क पूरा करता है। जिसे गट्टू अच्छी आदत कह रहा है, ये गट्टू के लिए अच्छी आदत होगी भी, लेकिन ये चिंकी के लिए अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक बुरी आदत कहलाएगी। सभी सर की बात को ध्यान से सुनने लगे। अपना काम हमें खुद करना चाहिए। चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। बचपन में मैं और मेरा भाई, हम दोनों को चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। लेकिन सर, चॉकलेट खाना तो अच्छी आदत होती है ना? हाँ बेटा, लेकिन हम आए हुए मेहमानों से चॉकलेट खाने की जिद पकड़ लेते। फिर पापा ने हमसे कहा कि अगर हमें चॉकलेट चाहिए तो हम गार्डन में जाकर सबसे पहले पौधों को पानी डाले, उसके बाद ही हमें चॉकलेट मिलेगा। और उस वक्त हमारा घर सातवीं मंजिल पर था। हम चॉकलेट के लिए सातवीं मंजिल से नीचे आते, पौधे को पानी डालते और चॉकलेट खाते। बच्चे सर की बात को गौर से सुन रहे थे। इस तरह से हमें रोज रोज चॉकलेट मिलने पर हम चॉकलेट खाने से बोर हो गए, और बाद में हमने चॉकलेट खाना भी बंद कर दिया। लेकिन हमें पौधों को पानी डालने की आदत लग गई, और हम आज तक हमारे गार्डन के पौधों को पानी डालते आए हैं। इसी तरह से हमें अच्छी आदत लग गई। सर की बात सभी बच्चे इतनी ध्यान से सुन रहे थे कि सभी बच्चों ने सर के लिए तालियां बजाई। गेस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे के गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स को लेकर डिस्कशन करने लगे। दादी हमेशा कहती है कि हमें अच्छी आदत हो तो हम जिंदगी में कामयाब बनते हैं। हाँ, अब सर की तरह मैं भी रोज पौधे को पानी डालूंगा, उसके बाद ही चॉकलेट खाऊंगा। इस तरह से मुझे अच्छी आदत भी लग जाएगी, लेकिन मैं चॉकलेट खाना नहीं छोड़ूंगा। बंटी के इस बात पर सभी हंस पड़े। हाँ, हमें हमेशा अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए, मम्मी पापा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सही कहा। अगले दिन सुबह गट्टू और चिंकी मम्मी के उठने से पहले ही जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठ गए और धरती को वंदन करने लगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, कर्मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। गट्टू और चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी किचन से बाहर आई। अरे वाह गट्टू चिंकी, तुम जल्दी उठ गए और तुम दोनों ने मिलकर प्रार्थना भी की, क्या बात है। गट्टू और चिंकी बेड से उतरकर सीधे मम्मी को जाकर गले लग गए। मम्मी गट्टू और चिंकी पर खुश हो गई। गट्टू और चिंकी नहा धोकर एकदम तैयार हो गए। आज गट्टू और चिंकी के पीछे मम्मी को नहीं लगना पड़ा। बिना कहे गट्टू और चिंकी जल्दी तैयार हो गए। गट्टू और चिंकी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, तभी मम्मी ने गट्टू और चिंकी को दूध का गिलास थमाया। गट्टू चिंकी, हर रोज की तरह दूध पीने में नाटक नहीं करना, तुम दोनों अच्छे बच्चे की तरह दूध खत्म करो जल्दी। जी मम्मी, अभी खत्म करते हैं। देखते ही देखते गट्टू और चिंकी दोनों ने अपना दूध का गिलास खत्म किया। मम्मी और पापा देखकर हैरान हो गए। क्या बात है गट्टू चिंकी, है? तुम दोनों तो अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो, मैं आज तुम दोनों पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू पापा, बड़ों की बात सुनना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है, अब हम रोज बिना रट लगाए दूध खत्म करेंगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी। अरे बेटा, हर रोज तो तुम 10 मिनट बाद निकलते हो। हाँ मम्मी, लेकिन स्कूल में हमें समय से पहले पहुँचना जरूरी है, ये एक अच्छी आदत है जिस वजह से हम स्कूल में लेट नहीं होंगे। देखा जी आपने, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। गट्टू चिंकी पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए। शाम को गट्टू चिंकी घर लौटे, दोनों ने अपना स्कूल बैग, अपने जूते सही तरीके से जगह पर रख दिए और अपना यूनिफॉर्म चेंज करके दोनों नीचे खेलने चले गए। इसी तरह गट्टू और चिंकी हर रोज जल्दी उठते, अपना दूध खत्म करते और फिर स्कूल में अच्छी तरह से पढ़कर शाम को लौटने पर खेलने चले जाते। चिंकी, आज स्कूल जाने में बहुत वक्त है, तो चलो हम टीवी देखते हैं। यस गट्टू, काफी देर है और टीवी पर नया कार्टून शो भी आया है, चलो देखते हैं। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर स्कूल का समय होने पर पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए।
मम्मी गट्टू और चिंकी को नोटिस कर रही थी कि हर रोज गट्टू चिंकी बहुत जल्दी उठ जाते, उठते ही टीवी के सामने बैठ जाते, स्कूल का समय होने पर स्कूल के लिए निकल जाते। आज फिर गट्टू और चिंकी स्कूल से पहले टीवी के सामने बैठ गए तो मम्मी ने कहा, गट्टू चिंकी यूँ सुबह सुबह टीवी के सामने बैठकर अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो बच्चों? क्या मम्मी आप भी, हम तो कितना जल्दी उठ जाते हैं और फिर स्कूल के लिए जाने में वक्त होता है, इसीलिए हम टीवी देखते हैं, इससे हमारी आदत थोड़ी बिगड़ी है। हाँ मम्मी, बचे हुए समय में ही तो हम टीवी देख रहे हैं। बेटा, आदत उस व्यवहार का नाम है जो हर रोज करने पर उसकी आदत पड़ जाती है और वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। क्या मतलब मम्मी? बेटा, अगर तुम जल्दी उठकर यूँ टीवी के सामने बैठ जाओगे तो तुम्हें इस बात की आदत लग जाएगी और तुम टीवी देखे बिना स्कूल जा ही नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा तुम स्कूल की कुछ किताबें ही पढ़ो, जिससे तुम्हें सुबह सुबह पढ़ने की आदत लगेगी। अरे हाँ मम्मी, स्कूल में टीचर जब सिखाते हैं तब दिमाग में कार्टून शो ही चलता रहता है। चिंकी तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ गई। गट्टू, तुम समझ रहे हो क्या? समझ क्या मम्मी, हमें सुबह के समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जल्दी उठने की अच्छी आदत तो लग गई, लेकिन सुबह सुबह टीवी देखने की बुरी आदत भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है मम्मी, अभी से हम इस आदत को कंटिन्यू नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मम्मी। अरे बेटा, अपनी मम्मी को थैंक यू थोड़ी कहते हैं। मम्मी, टीचर ने सिखाया है कोई हमारी मदद करे तो थैंक यू बोलना अच्छी आदत होती है। इस बात पर मम्मी हंस पड़ी। अच्छी आदतें इंसान को सफल बनाती हैं और बुरी आदतें असफल बनाने में मदद करती हैं। चश्मिश चिंकी, आजकल के फैशन को लेकर बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बुरी आदतें भी ध्यान में नहीं आती। जैसा सबके साथ होता है वैसा खुद के साथ हो जाए तो उन्हें वो बात नॉर्मल लग जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारी चिंकी के साथ हुआ है। सुबह सुबह मम्मी पापा के साथ नाश्ता करते हुए चिंकी ने एक्साइटेड होकर कहा, मम्मी पापा, हम इस सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं, स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना, स्कूल प्रिंसिपल ने हमारे डिवीजन के लिए भी आर्ट गैलरी में जाने की परमिशन दे दी। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर पापा ने कहा, अच्छी बात है बच्चों, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए, अच्छी बात है, गुड गुड। पापा, लेकिन सैटरडे से पहले मेरा चश्मा तो आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है, पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ चिंकी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताना कम करो, मोबाइल की वजह से ही तुम्हें चश्मा लगा है। ठीक है ना मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है, अच्छा लगेगा चिंकी पर नया चश्मा, लेकिन चिंकी तो चश्मिश हो जाएगी। गट्टू चिंकी ने झटपट अपना नाश्ता कंप्लीट किया। शुक्रवार के दिन पापा ने चिंकी का नया नंबर वाला चश्मा चिंकी को दिया। चिंकी तो अपने चश्मे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। मम्मी गट्टू और चिंकी के लिए रूम में पानी रखने के लिए आई, तब देखा कि चिंकी आईने के सामने खड़ी होकर काफी देर तक खुद को देख रही है। मम्मी ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा फ्रेम, मैं एक और फ्रेम बना के रखूंगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूं। चिंकी की बात पर मम्मी को हैरानी हुई कि चिंकी अपने कमजोर नजर को लेकर दुखी होने के बजाय नए चश्मे की फैशन के नाम पर खुश हो रही है। चिंकी को मम्मी ने इस वक्त कुछ नहीं बोला और सोने के लिए चली गई। शनिवार के दिन जैसा तय हुआ था, गट्टू चिंकी अपने बाकी दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी पहुंचे। आर्ट गैलरी वाकई काफी बड़ी थी। गट्टू चिंकी और उनके दोस्त पहली बार इस तरह की आर्ट गैलरी देखने आए हैं। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और पुराने स्टैचूज रखे हैं। जिस तरह आर्ट गैलरी में मौजूद पुरानी चीजों ने सभी को अट्रैक्ट किया, उसी तरह चिंकी के चमकदार और फैंसी चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वाओ चिंकी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, बहुत ही फैंसी है। सच में चिंकी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में, मैं भी मम्मी से बोलकर चश्मा बना लूंगी और कहूंगी कि मेरी भी नजर कमजोर हो गई है। गुड्डी के इस बात पर गट्टू चिंकी बंटी भूषण हरी सभी लोग हंसने लगे। यहाँ घर पर मम्मी चिंकी को लगे चश्मे के बारे में सोच रही है और अब मम्मी ने गट्टू चिंकी के नानी को फोन किया और चिंकी को लगे चश्मे की बात बताई। नानी को भी हैरानी हुई।
अरे चिंकी को इतनी जल्दी चश्मा कैसे लग गया? अभी उसकी उम्र ही क्या है, चिंकी से कहना अपनी कुछ आदतें बदले। कच्ची उम्र में चश्मा लगा है तो वो निकल भी जाएगा, थोड़ा बहुत योगा करेगी तो नजर तेज हो जाएगी उसकी। मम्मी को नानी की बात ठीक लगी और वो सोचने लगी कि चिंकी स्कूल से आते ही मम्मी के या पापा के फोन पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है और लगातार गेम खेलती रहती है। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद चिंकी ने मम्मी का फोन लिया और हर रोज की तरह आज भी मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गट्टू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नीचे चला गया, लेकिन चिंकी ने अपना हाथ का मोबाइल नहीं छोड़ा। मम्मी किचन में काम कर रही है, जानती है कि चिंकी गट्टू के साथ खेलने नहीं गई है और हॉल में बैठकर मोबाइल पर ही लगी है। तभी मम्मी ने कहा, चिंकी बेटा मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। चिंकी ने भी देखा कि मोबाइल में चार्ज नहीं है और मम्मी के पास किचन में चली गई और चार्ज पर लगाकर मोबाइल में खेलने लगी। हद होती है बेटा, यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लग गया। नानी ने भी डांटा है तुम्हें, तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों मोबाइल में गेम खेलना चाहिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा और चश्मा तो हर किसी को लग जाता है, मुझे अच्छा लगता है चश्मा मम्मी। चिंकी के बातों से मम्मी एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रविवार को गट्टू और चिंकी के साथ मम्मी बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए आई। चिंकी अपना चश्मा पहनना बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी और देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत की नजर कमजोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही है। तभी रास्ते से चल रहे एक भैया ने उस बूढ़ी औरत को हाथ देकर रास्ता पार करने में मदद की। गट्टू चिंकी और मम्मी ने भी देखा और मम्मी चिंकी को समझाते हुए कहने लगी, देखा चिंकी, नजर कमजोर होने से कितनी परेशानियां होती हैं, वो बेचारी अपना रास्ता भी क्रॉस नहीं कर पाई। मम्मी की बात से चिंकी एकदम सहम गई। गट्टू को भी मम्मी की बात ठीक लगी। गट्टू चिंकी और मम्मी बाजार से घर लौटे, तब घर पर गट्टू चिंकी की मासी आई। चश्मेश चिंकी, दीदी चिंकी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। चश्मेश चिंकी, तुझे हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते रहना पड़ जाएगा, मासी मजाक करते हुए कहने लगी। चिंकी को एहसास हो रहा था कि वो गलत सोच रही थी। उसने कहा, हाँ मासी, आगे चलकर तो मैं खुद रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। मम्मी समझ गई कि उनके बात का असर चिंकी पर जरूर हुआ है। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही मोबाइल पर गेम खेलते रहती है और नजर कमजोर हो गई है। नहीं मम्मी, अब मैं मोबाइल पर बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। मम्मी मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है, मैं मेरी नज़र तेज करना चाहती हूँ। हाँ चिंकी, कल ही हमारे योगा टीचर से नज़र तेज होने के लिए एक्सरसाइज पूछ लेना। हाँ बाबा, मुझे तो कमजोर इंसानों की मदद करनी है ना कि खुद कमजोर होना है। चश्मा तो निकलना ही चाहिए, मैं योगा करूँगी और जरूर अपनी नज़र तेज करूँगी। अगले दिन चिंकी ने अपने योगा टीचर से बात की और तेज नजर होने के लिए कुछ योगासन सीख लिए। चिंकी हर दिन घर के टेरिस पर जाकर योगा करती, जिससे सुबह की पहली किरण नजर पर पड़ती। धीरे धीरे चिंकी का चश्मे का नंबर भी कम हो गया। एक महीने बाद चिंकी मम्मी पापा और गट्टू के साथ आंखों के हॉस्पिटल में गई, जहां उसने अपनी आंखें पहली बार चेक करवाए। क्या बात है चिंकी बेटा, तुम्हारा नंबर तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हाँ, क्योंकि चश्मे चिंकी ने हर दिन नजर तेज होने के लिए योगा जो शुरू किया है। डॉक्टर ने चिंकी की तारीफ की और चिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करेगी। होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौटकर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी मम्मी, किधर है आप? मम्मी, हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी मम्मी, जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी मैं क्लास में थर्ड आई। और मैं फर्स्ट। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे? इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी मुझे फर्स्ट आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप फर्स्ट आ जाना। नहीं, मैं तब भी फर्स्ट आऊंगा। हाँ हाँ चलो, अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है, फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाह, मैं अभी आया चेंज करके। तो
तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कॉम्पिटिशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी, लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे? मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब। आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे। मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी, आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू, आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है। सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो, जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाव, कितना मजा आएगा। ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी, फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी, पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है। बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है, इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिक्की गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो। एक पिज्जा मैं आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ। दोनों फटाफट अपनी लास्ट स्लाइस खा लेते हैं। चलो अब रसोई में चलते हैं एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले, अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों? मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूं इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा, दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू, मजा आ गया। मैं चीज को कस दूं मम्मी? नहीं बेटा, आप छोटे हो, हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कसकर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कसकर दे देती है, दोनों मिलकर पिज्जा पर बुरक कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है।
नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो, प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू, मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा, तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा, चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाव, कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ, मजा आ गया। चलो, आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए, उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी, अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है, चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।